हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों। गायत्री मंत्र में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। ना थके हैं पैर अभी, ना हिम्मत हारी है, जज्बा है जीतने का इसीलिए सफर जारी है। तजुबा है, जुनून है, पागलपन है जीतने का, और इस बार तो सिलेक्शन चाहिए। आज मैं आपके सामने जो पुरस्कार अवार्ड्स 2023 के जनवरी से लेकर जो मई तक के जो महत्वपूर्ण अवार्ड्स हैं वो आपको पढ़ाने वाला हूं। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण गायत्री मंत्र आपके लिए। धैर्य बनाए रखिएगा, धैर्य के साथ पढ़ते रहिए। याद मैं करवा दूंगा गारंटी के साथ में। आप तो बस लगातार इसको 2-3 बार जो है गायत्री मंत्र को देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखना पहला है के आर गौरी अम्मा अवार्ड 2022 जो है वो डॉक्टर एलिडा गुएरा को मिला है। क्यूबा के सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पहली बार दिया गया इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण अवार्ड है। यूएन हैबिटेट अवार्ड जो है वो ओडिशा के जागा मिशन को मिला है, स्लम उन्नयन मिशन था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। असम वैभव पुरस्कार जो है डॉक्टर तपन सेकिया को मिला है, ऑन्कोलॉजिस्ट है, कैंसर आपके स्पेशलिस्ट है, ध्यान रखिएगा। गोल्डन कैलाशा जो अवार्ड है उनानेरा फिल्म को मिला है, राजस्थानी फिल्म है ये, और निर्देशक है इसके दीपांकर प्रकाश, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 71वां मिस यूनिवर्स जो अवार्ड है वो बॉनी गैब्रियल को मिला, यूएसए की रहने वाली है। इससे तो पिछले वाला जो है वो हरना संधु भारत को मिला था, ठीक है। नंबर वन पुलिस थाना जो अवार्ड है वो अस्का पुलिस थाना गंजाम जिला उड़ीसा को मिला है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 23 जनवरी को प्रदान करते हैं इसको। संस्थागत श्रेणी के अंदर उड़ीसा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को मिला है। इसके अलावा लुंगलई फायर स्टेशन मिजोरम जो है इसको प्राप्त हुआ है, ठीक है। पद्म विभूषण 2023 6 व्यक्तियों को प्राप्त हुआ है। श्री निवास वर्धन अमेरिका के हैं। इसके अलावा बालकिशन दोषी गुजरात के आपके वास्तुकला संबंधित है, अभी हाल ही में निधन हुआ। जाकिर हुसैन तबला वादक के महाराष्ट्र के रहने वाले, ठीक है। एस एस कृष्णा कर्नाटक के दोस्तों आपके रहने वाले हैं। दिलीप महानोबिस अभी हाल ही में निधन हुआ है, ये आपके पश्चिम बंगाल के ओआरएस की घोल करने वाले। और मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के रहने वाले, अभी हाल ही में निधन हुआ। तो 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला है, श्रीनिवास, बालकिशन दोषी, जाकिर हुसैन, एस एस कृष्णा, दिलीप महानोबिस और मुलायम सिंह यादव। आगे देखिएगा ग्रैमी पुरस्कार जो है म्यूजिक के क्षेत्र में प्राप्त होता है, इस बार रिकी केज को मिला है और ये तीसरी बार जो है इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। इनका एल्बम कौन सा है, डिवाइन टाइटंस जो है ये इनका एल्बम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार पूछूं आपसे, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है डॉक्टर पैगी महन को दिया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजा राम मोहन राय पुरस्कार जो है वो पत्रकार एबीके प्रसाद को दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड्स हरियाणा पुलिस को मिला है, इस बार आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है सज्जन जिंदल को प्राप्त हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मार्कोनी पुरस्कार इसको दूर संचार का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, ये इस बार कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन जो है इनको प्राप्त हुआ है। इसके बाद देखिएगा ऑस्कर अवार्ड 2023 अति महत्वपूर्ण सवाल, इस बार 95 नंबर का था, लॉस एंजल्स को प्रदान करता है अमेरिका के अंदर, इसे एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले तो सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड है वो द बेहल फिल्म के लिए बैटन फेजर को दिया गया, आपको ध्यान है। एक्टर का अवार्ड बैटन फेजर को प्राप्त हुआ है, द बेहल फिल्म के लिए प्राप्त हुआ है, ठीक है। बेस्ट तो एक्ट्रेस का अवार्ड मिशेल योह को प्राप्त हुआ है, ये पहली एशिया की आपके महिला है जिनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जो है वो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस जो है इस फिल्म को प्राप्त हुआ है। बेस्ट सॉन्ग अवार्ड जो है नाटो नाटो को प्राप्त हुआ है, RRR फिल्म है, MM किरवानी संगीतकार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का जो अवार्ड है द एलिफेंट विस्पर्स को मिला है और कार्तिकी गोंजालविस जो है ये इसके निर्देशन है, आपको ध्यान रखना है। भारत को इस बार 2 ऑस्कर अवार्ड मिले, बेस्ट सॉन्ग दोस्तों अवार्ड जो है और बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है ये भारत के खाते में गए, ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अगला है फीफा दोस्तों। अगर पूछे आपसे गोल्डन बोर्ड अवार्ड फीफा आपके वर्ल्ड कप के अंदर लियोनेल मेसी को मिला, अर्जेंटीना के खिलाड़ी है, ठीक है। गोल्डन बूट जो अवार्ड है किलियन एम्बापे को मिला, कहां के दोस्तों आपके, ये फ्रांस के खिलाड़ी थे। अगर पूछे आपसे फीफा के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी 2022 से कौन है, वो लियोनेल मेसी हो गए दोस्तों। अगर पूछे आपसे सर्वश्रेष्ठ तो आपके पूछे आपसे फीमेल प्लेयर कौन है, तो वो एलेक्सिया पुटेलेस है, स्पेन की है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला है बीबीसी पूछे आपसे 2022 के स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड किसको मिला, मीराबाई चानू वेट लिफ्टर है, आप जानते हो, ठीक है। पैरा दोस्तों स्पोर्ट्स वुमेन पूछे आपसे दिव्यांग स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड किसको मिला है, भाविना पटेल को मिला, टेबल टेनिस की खिलाड़ी,
है, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड छापना प्रीतम सिवाच को मिला है, हॉकी की खिलाड़ी है, आपको ध्यान है। आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर इतने सारे अवार्ड कैसे याद होंगे? चिंता मत कीजिए, आप तो बस लगातार क्लास में बने रहिएगा, मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला अवार्ड है प्रतिजर अवार्ड, आर्किटेक्चर का अवार्ड, सोम के वास्तुकला का अवार्ड है, डेविड चिपरफील्ड को इस बार प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। व्यास समाज पूछे आपसे, अरे ज्ञान चतुर्वेदी को प्राप्त हुआ है, पागलखाना उपन्यास के लिए प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगर जो पूछूं आपसे, सरस्वती सम्मान जो है वो शिव शंकरी को मिला है भगवान के नाम पर दोस्तों, और सूर्यवंशम उपन्यास के लिए दिया गया, ठीक है। आगे देखिएगा, गवर्नर ऑफ द ईयर जो पुरस्कार है वो आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास को इस बार प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज दोस्तों अवार्ड, WHO का यह अवार्ड है और बंगलुरु को यह प्राप्त हुआ है भारत में, यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट खेल भावना दिखाने के लिए नेपाल के विकेट कीपर आसिफ शेख जो है इनको सम्मानित किया गया, ठीक है। एबल पुरस्कार तो पूछो आपसे, मैथमेटिक्स क्षेत्र में मिलता है, अर्जेंटीना के लुइस कैफरली जो है इनको इस बार प्राप्त हुआ है, ठीक है। वन्य जीव पूछो आपसे, वन्य जीव संरक्षण जो पुरस्कार है वो आलिया मीर को मिला है जम्मू कश्मीर के, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चिल्ड्रंस चैंपियंस अवार्ड पूछो आपसे, ये किसको प्राप्त हुआ है? असम का एक एनजीओ है तपोवन नाम से, इसको प्राप्त हुआ है, ठीक है। आगे देखिएगा, जैन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड जो आपसे पूछे आपसे, अरे सो ईसा अंबानी जो है इनको ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर जो आपसे पूछे आपसे, फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान है वो किरण नादर को प्राप्त हुआ है, और अभी दोस्तों हाल ही में एन चंद्रशेखरन जो है इनको प्राप्त हुआ, ठीक है। तो फ्रांस का सर्वोच्च आपके नागरिक सम्मान जो है किरण नादर और एन चंद्रशेखरन प्राप्त हुआ, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल दोस्तों पूछे आपसे कि पोलैंड का पूछूं आपसे, पोलैंड का जो सर्वोच्च सम्मान है वो जेलेंस्की को मिला है, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, आपको ध्यान रखना, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान है, आपके जेलेंस्की साहब को मिला, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिएगा, वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड जो है इसको आपके भारत बायोटेक जो कंपनी है हैदराबाद वाली जिसने कोवैक्सीन बनाई थी इसको प्राप्त हुआ है, ठीक है। फेमिना मिस इंडिया 2023 अवार्ड पूछे आपसे, राजस्थान की जो नंदिनी गुप्ता है इनको इस बार जो अवार्ड प्राप्त हुआ है। संतोखवा मानवतावादी से पुरस्कार पूछूं आपसे, लद्दाख के जो सोनम वांगचुक हैं इनको यह अवार्ड प्राप्त हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड ये सेकंड बार प्राप्त हुआ है, पहली बार प्रधानमंत्री साहब को मिला था और सेकंड बार जो है वो आशा भोसले जी को प्राप्त हुआ है, ठीक है। ग्लोबल गोल्ड अवार्ड पूछूं आपसे, ये पावर ग्रिड जो कॉर्पोरेशन भारत की 11वीं महारत्न कंपनी है उसको कौन सा अवार्ड मिला है? ग्लोबल गोल्ड अवार्ड जो है प्राप्त हुआ है, ठीक है। फिल्म फेयर अवार्ड अगर पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में मुंबई में इसका आयोजन होगा, आपका 68 नंबर का फिल्म फेयर अवार्ड था, फिल्म कौन सी है? गंगूबाई काठियावाड़ी से पूछे आपसे, एक्टर कौन है? आलिया भट्ट, इसी फिल्म की आपकी एक्ट्रेस है, एक्टर कौन है? राजकुमार राव है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है प्रेम चोपड़ा को प्राप्त हुआ है, ठीक है। अरे नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, ठीक है, वही प्रेम चोपड़ा। फिल्म का अवार्ड गंगूबाई काठियावाड़ी को, एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को मिला है, एक्टर का अवार्ड राजकुमार राव को मिला है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है प्रेम चोपड़ा को मिला, कौन सा? आपके 68 हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जो है वो चेन्नई मेट्रो को प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके बाद में पुलिस से पूछूं आपसे, अरे पत्रकारिता क्षेत्र में आपके पता है, अगर से पूछा आपके इसमें कौन सा अवार्ड मिला? पुलित्जर अवार्ड मिला है। किसको दोस्तों मिला? अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग के क्षेत्र में न्यूयॉर्क टाइम जो है इसको यह अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है। केरल सिल्स अवार्ड जो है वो फातिमा असगर को मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखना, लॉरियस अवार्ड पूछूं आपसे, स्पोर्टमैन अवार्ड लियोनेल मेसी को मिला, अर्जेंटीना फुटबॉलर, ध्यान रखना, ठीक है। स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड जो है वो सैली फ्रेजर को मिला है, देखो ये तो आपको याद होगा, ये आपको ध्यान रखना है, स्पोर्ट्स वुमेन जो अवार्ड है वो सैली फ्रेजर को मिला है, जमैका की एथलीट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार पूछूं आपसे, 23 का जो है किसको मिला है? मुख्यमंत्री साहब हमारे योगी आदित्यनाथ जो है इनको यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। इसके बाद देखना, सागर श्रेष्ठ सम्मान से पूछे आपसे, ये कोचिन पोर्ट को प्राप्त हुआ है। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो है ये भगवान सो भरोसे जो फिल्म है, अगर कौन सो पूछे आपसे, डायरेक्टर कौन है इसके? शैलादित्य बोरा डायरेक्टर है इसके, भगवान भरोसे फिल्म जो है इसको ये अवार्ड प्राप्त हुआ, ठीक है। पापुआ निगुनी से पूछे आपसे, पापुआ निगुनी और फिजी और पलाऊ इनका जो सर्वोच्च सम्मान है अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी को प्राप्त हुआ है। पूछे दोस्तों आपसे, पोलैंड वाला किसको मिला? जेलेंस्की को मिला, ठीक है। अगर पूछे पापुआ निगुनी या फिर दोस्तों फिजी और पलाऊ किसको मिला है, वो प्रधानमंत्री साहब को मिला है। और सूरीनाम वाला सबके सूरीनाम वाला जो है हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखना, अंतरराष्ट्रीय तो पूछे, अंतरराष्ट्रीय बुकर जो पुरस्कार है 23 वाला,
वो जॉर्जी गोस्पिडनोव को प्राप्त हुआ है, बुल्गारिया की रहने वाली है, टाइम सेल्टर के लिए प्राप्त हुआ है, आपको ध्यान रखना। इससे पिछला वाला दोस्तों याद करो, अरे 2022 वाला सो आपके गीतांजलि श्री को मिला था रेत की समाधि के लिए प्राप्त हुआ है, ठीक है। आईफा अवार्ड स्टार लगा सो, आईफा जो अवार्ड है 2023 का जो अवार्ड है, यूएई के अंदर इसका आयोजन हुआ दोस्तों, अबू धाबी के अंदर आयोजन होता है। सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म का अवार्ड है वो दर्शन टू को प्राप्त हुआ है दोस्तों। एक्टर का जो अवार्ड है वो ऋतिक रोशन को प्राप्त हुआ विक्रम बेदा के लिए। एक्ट्रेस का जो अवार्ड है वो आलिया भट्ट को मिला, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए मिला है। और दोस्तों उत्कृष्ट उपलब्धि जो अवार्ड आपके पूछे कमल हासन को प्राप्त हुआ है, ठीक है। फिल्म का अवार्ड दर्शन टू है, एक्टर का अवार्ड ऋतिक रोशन है, एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट है, और उत्कृष्ट उपलब्धि का जो अवार्ड है वो कमल हासन को प्राप्त हुआ। आईफा अवार्ड कब हुआ दोस्तों, यूएई के अंदर हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा डैग हैमर स्कोल्ड मेडल पूछे आपसे, ये अभी दोस्तों शांति जो अभियान थे उसमें शिशुपाल सिंह राजस्थान के थे, सांवला राम बिश्नोई राजस्थान के थे, और सावेर ताहिर अली जो है इन तीनों को ये अवार्ड मिला है, डैग हैमर स्कोल्ड अवार्ड। रुचिरा कंबोज ने अवार्ड दिए थे, ठीक है। 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल पेरिस फ्रांस के अंदर होता है। इसमें दोस्तों महत्वपूर्ण अवार्ड कौन सा है, पाल्मे दी और अवार्ड है, किस फिल्म को प्राप्त हुआ है, एनाटॉमी ऑफ ए फॉल फिल्म जो है इसको प्राप्त हुआ है। अगर आपसे पूछ ले किसने बनाई फिल्म जो है, जस्टिन ट्राइट ने बनाई थी आपको, है ना। और इसके अलावा मानद पाल्मे दी अवार्ड जो है वो माइकल डकलस को प्राप्त हुआ, दोनों आपको ध्यान रखने। इसके बाद देखिएगा 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दोस्तों दामोदर मोजा को प्राप्त हुआ है, आप जानते हो। 56 जो है वो आपके नीलमणि फूपन को प्राप्त हुआ है। ये आपके बहुत सारे अवार्ड मैंने करवाए लगातार दोस्तों आपके सामने जो अवार्ड है मैं हर क्लास में आपको लेकर आऊंगा, जिससे आपको जल्दी जल्दी याद हो जाएंगे। आइए चलते हैं अपनी फूल पत्ती वाली क्लास की तरफ। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुरुआत मेरे सेनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाजन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहेगा मैदान जीत कर ले जाएगा। अति महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है, और तुम तो मेरे मांझी हो रहे, जब तक तोड़ोगे नहीं तो छोड़ने वाले तुम लोग हो नहीं। तो आइए, स्वागत है आपका उत्कर्ष परिवार के अंदर अति महत्वपूर्ण क्लास में। बिल्कुल आराधना, कुमार, गौरव, अभिषेक, बिल्कुल मनीष, सुमित, दीपक, अंकिता, साक्षी, बिल्कुल सरदार, दीपक, गोविंदा, आनंद, सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं क्लास की। देखना 31 सितंबर 2023 दैनिक समसामयिक की सभी प्रकार की परीक्षाओं को स्थिनाबूत करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। दक्षिणी चीन सागर में तनाव के बीच इंडोनेशिया ने शुरू किया आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास ASEX-01N। यूएई के सुल्तान अल नयादी अंतरिक्ष केंद्र में सर्वाधिक समय तक रहने वाले बने पहले अरब अंतरिक्ष यात्री। ग्लोबल साउथ को मजबूत बनाने के लिए G77+ चीन का शिखर सम्मेलन हुआ आयोजित। COVID-19 महामारी के बाद दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में गांधी वॉक का हुआ आयोजन। यूजीन डायमंड लीग फाइनल 2023 में मोंडो डुप्लेंटिस ने
पोल वोल्ट में 7वीं बार तोड़ा विश्व रिकॉर्ड, स्वदेश निर्मित स्वयं निष्क्रिय सेल्फ इनेक्टिव एंटी टैंक मिसाइल विवाह सेना में की गई शामिल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ग्रामीण युवाओं को मजबूत बनाने के लिए स्किल्स ऑन व्हील पहल की प्रारंभ। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने 11 सूत्रीय विकास कार्यक्रम किया लॉन्च। ओडिशा में कृषि त्योहार नुआखाई का धूमधाम से किया गया आयोजन। झारखंड में कुर्मी समुदाय ने अनिश्चितकाल के लिए रेल रोको आंदोलन किया प्रारंभ। आईसीसी पुरुष वनडे बॉलिंग रैंकिंग में मोहम्मद सिराज बने नंबर एक। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोजा चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, पूरा करता शेर शेर नहीं दिखलाएगा। आज आपके क्लास के अंदर एक बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा होने जा रही है, दिल थाम कर बैठिएगा। जिसका आपको इंतजार था ना कि सर वो कब लेकर आ रहे हो, उसकी घोषणा आज मैं करने वाला हूँ क्लास के अंदर। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। देखिए थोड़ा जिद्दी हूँ, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता। अपने सपनों के लिए बिना संघर्ष किए हार जाऊं, ये मुझे रास नहीं आता। अपने सपनों के लिए तो संघर्ष करूंगा, और ना संघर्ष ना तकलीफ, ये खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं तो आग लगी हो सीने में। आइए स्वागत है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास ASEX-01 कहां प्रारंभ हुआ है? मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको एक ही पेज में दी है, इससे आपको समझने में आसानी होगी। ये हिंदी यहां पर लिखा हुआ है और जो इंग्लिश कंटेंट है आपके सामने वो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो सवाल दोस्तों ये पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है कि अभी हाल ही में जो ASEX-01 है, लिखना आपके ASEX-01N जो है छापना। पहली बात पूछूं आपसे, अरे किसका अभ्यास हो? ये आसियान लिखना, ये आसियान का क्या है? ये आसियान का अभ्यास लिखना, ये आसियान का दोस्तों अभ्यास है, नाम से स्पष्ट है ये किसका अभ्यास है, आसियान का दोस्तों अभ्यास ना, ये पहला आसियान क्या है, सो ये पहला अभ्यास लिखिएगा, ये आसियान का अभ्यास है जो कि दोस्तों पहला अभ्यास है। पूछूं आपसे इसका जो आयोजन हुआ है, एएस मतलब आसियान हो गया, ईएक्स मतलब आपके एक्सरसाइज हो गया है। सवाल दोस्तों ये है कि इसका जो होस्ट है आपके, इसका जो मेजबान है वो कौन दोस्तों आपके, इंडोनेशिया जो है ये इसका मेजबान हो गया। इंडोनेशिया जो है वो मेजबान हो गया है। अगर आपसे पूछ ले कि सर इंडोनेशिया जो है इसका दोस्तों कौन से स्थान पर छापना, इसके दक्षिण जो नाटू स्थान है आपके, दक्षिण नाटू जो स्थान है, दक्षिण नाटू सागर जो है यहां दोस्तों आयोजन हुआ है, ये भी आपको छापना है। तो आसियान का अभ्यास है दक्षिण नाटू जो सागर है इंडोनेशिया के अंदर जो है वहां इसका आयोजन हुआ है। अगर आपसे पूछेगी भाई साहब इसका दोस्तों पूछे आपसे इसमें जो भाग लेने वाले देश है वो कौन दोस्तों आपके, वो 11 देश जो है वो 11 देश शामिल हुए इसमें। अरे दोस्तों 11 देश क्यों? क्योंकि दोस्तों आसियान के अंदर, क्योंकि दोस्तों आसियान में आप जानते हो वर्तमान में कितने देश शामिल हैं, 11 देश हैं आपके, और सो 11वां देश कौन सा हो गया है, पूर्वी तिमोर जो है छापना, पूर्वी तिमोर जो है, सॉरी लिस्ते तिमोर, तिमोर लिस्ते छापना, तिमोर लिस्ते जो है ये 11वां देश है, ये भी आपको छापना, ठीक है? तिमोर लिस्ते 11वां देश है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आसियान का अभ्यास हो गया है, नाम दोस्तों इसका क्या है, नाम इसका ASEX आपके नाम हो गया इसका। पूछे आपसे कहाँ आयोजन हुआ इसका, दक्षिण नाटू सागर जो है यहाँ आयोजन किया गया है, और तो इसमें 11 देशों ने भाग लिया है क्योंकि तो आसियान के मेंबर है, और 11वां देश तिमोर लिस्ते, ये आपको छापना, लिखिएगा आंसर, लिखिए ऑप्शन नंबर एक इंडोनेशिया जो है ये इसका ठीक आंसर है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, अरे रसगुल्ला अगर पूछूं आपसे आसियान, दोस्तों पूछे आपसे आसियान जो है छापना, सो आसियान जो है पहली बात फुल फॉर्म क्या है इसकी, अरे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, कौन सा है, दक्षिण आपके पूर्वी जो एशियन जो देश है आपके, इनका जो एसोसिएशन है वो है आसियान, ठीक है? साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है वो आपके इसका आपके एसोसिएशन हो गया है। पूछे इसकी स्थापना 1967 में इसकी स्थापना होती है। पूछूं आपसे इसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय जो है जकार्ता, जकार्ता यहां पर इसका मुख्यालय हो गया है। अरे ये कहां की राजधानी है, ये इंडोनेशिया की राजधानी है, ये आप जानते हो भली भांति, ये भी आपको ध्यान
ध्यान रखना है, ठीक है। तो पूछूं आपसे, इसका मुख्यालय कहां से? जकार्ता मुख्यालय हो गया है। इसमें 11 देश शामिल हैं, ये अभी मैंने लिखवाया आपको, तिमोर लिस्टे 11वां देश है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, क्या दोस्तों भारत जो है वो इसका मेंबर है सामना, तो भारत इसका मेंबर नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है, भारत इसका मेंबर नहीं है। अभी दोस्तों हाल ही में, रवि दोस्तों हाल ही में याद करो, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जो है इसका अभी दोस्तों हाल ही में आयोजन हुआ दोस्तों, और यही दोस्तों किसका आपके, और यही दोस्तों ईस्ट एशिया समिट, याद करो ईस्ट एशिया समिट जो है इसका दोस्तों आयोजन हुआ है, और यही रसगुल्ला किसका आपके, यही दोस्तों भारत जो आसियान समिट आपके इसका भी आयोजन हुआ था, और ये तीनों मैंने पढ़ाई थी आपको, याद करो। वंस देर वाजे रसगुल्ला, मैंने आपको पढ़ाई थी तीनों बातें, और तो पूछूं आपसे इन तीनों का आयोजन कहां से, इंडोनेशिया जो है यहां आयोजन हुआ है, ये भी आपको छापना, ठीक है। तो तीनों का जो आयोजन हुआ है वो इंडोनेशिया के अंदर हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये मैंने आपको लिखवाया था कि 43वां आसियान शिखर सम्मेलन या दोस्तों आपके ईस्ट एशिया समिट, आपके इंडिया आसियान समिट जो है वो कहां पर हुई है, इंडोनेशिया के अंदर हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे कि जो इंडोनेशिया है, पूछूं आपसे इसके दोस्तों, पूछूं आपसे इसकी, जिसकी जो आपके नई राजधानी है, इसकी नई राजधानी जो है वो क्या बनने वाली, नूसुंतारा छापना, नूसुंतारा जो है वो इसकी नई राजधानी बनने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नूसुंतारा जो है वो नई राजधानी बनने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, अगर उसको पूछे यहां पर आपके कौन कौन से ज्वालामुखी स्थित है, तो माउंट सिनाबुंग यहां पर आपके, यहां से माउंट मेरापी है, माउंट मेरापी आपके माउंट सिनाबुंग हो गया है, और माउंट क्राकातोवा ज्वालामुखी जो है वो यहाँ पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में याद हो आपको, अरे अभी दोस्तों हाल ही में भारत ने किस देश को अपना INS कृपाण जो जहाज है वो उपहार में दिया था, याद करो दोस्तों, किस देश को हमने अभी INS कृपाण जो जहाज है हमारा वो गिफ्ट कर दिया था, आपको याद होना चाहिए दोस्तों किसको किया। अब बताओ आप लोग मुझे, ऑपरेशन जो सजग अभ्यास हो, अभी दोस्तों हाल ही में सजग जो अभ्यास है इसका आयोजन जो है वो करने वाला कौन है, ये आपको छापना, ठीक है। अगर से पूछूं आपसे, वरुण अभ्यास जो है अभी दोस्तों हाल ही में हुआ है, साइक्लोन दोस्तों अभ्यास जो है ये अभी हाल ही में हुआ है, किस देश के बीच में हो रहा है वो आपको बताना है मुझे, ठीक है। लिखिएगा नॉर्मडिक दोस्तों एलिफेंट अभ्यास ये अभी हाल ही में हुआ है, नॉर्मडिक एलिफेंट अभ्यास लिखिएगा। आपके एकता जो अभ्यास है वो अभी दोस्तों हाल ही में हुआ है, काजिंद अभ्यास जो है वो किसके बीच हुआ आपके, मालाबार जो अभ्यास है वो किसके बीच में हो रहा है, बाकी दोस्तों छापना आपसे। लिखा सो टैसिलमैन अभ्यास ये कौन से देश में हुआ है, टैसिलमैन जो अभ्यास है ये किस देश में हुआ है, बाकी दोस्तों आपके सामने नॉर्मडिक एलिफेंट हो गया है, एक्वरिन जो अभ्यास है ये किसके बीच में हुआ है, और सो लास्ट दोस्तों लिखना आपके, एक और लिख लीजिए लास्ट जो है वो तो पूछे आपसे, अल मोहद अल हिंदी अभ्यास जो है ये किसके बीच में हुआ है। ये सारे दोस्तों अभ्यास पिछले 3 महीने के अंदर हुए हैं जो मैंने आपको लिखवा दिए हैं, अल मोहद अल हिंदी अभ्यास किसके बीच हुआ है। देखिए सवाल दोस्तों क्या था कि भारत ने किसे जो है INS कृपाण जो उपहार में, वियतनाम जो है इसको अभी हाल ही में हमने INS कृपाण जो है वो उपहार में दिया, ये आपको ध्यान रखना है। पूछूं आपसे सजग दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड जो है, याद करो कल परसों लिखाया था मैंने आपको, इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसका आयोजन किया था, कल परसों सवाल में आया था, ठीक है। वरुण पूछो दोस्तों आपसे, अरे इंडिया फ्रांस वरुण अभ्यास था, वरुण हो गया, शक्ति हो गया, फ्रिंजेक्स हो गया, तीनों अभ्यास इसी के है ना, वरुण शक्ति फ्रिंजेक्स ये सारे अभ्यास इसी के बीच में, ठीक है। पूछे आपसे साइक्लोन से, पूछो आपसे साइक्लोन अभ्यास छापना, इंडिया इजिप्त जो है इन दोनों के बीच में, भारत मिस्र के बीच में साइक्लोन अभ्यास, ठीक है। सो नॉर्मडिक एलिफेंट पूछे आपसे, भारत और जो मंगोलिया है इन दोनों के बीच में नॉर्मडिक एलिफेंट अभ्यास, ठीक है। एक तो पूछो आपसे एकता या फिर अकुवरिन छापना, एकता
छापना भारत और आपके मालदीव के बीच में छापेगा, भारत मालदीव के बीच में एकता अभ्यास हो गया। काजिन सो पूछो आपसे, काजिन सो भारत और कजाकिस्तान जो है, भारत और कजाकिस्तान के बीच में काजिन हो गया। सो मालाबार पूछे आपसे, अरे याद करो क्वाड देश, तो सो याद करो आपके इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चार देश सो मालाबार। और पूछूं आपसे मालाबार जो है सो पहली बार, पूछे आपसे पहली बार कहां हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, ये आप जानते हो। ठीक है सवाल दोस्तों आपके सामने, टैसलमैन अभ्यास, अब बताओ यह जो अभ्यास है वो कहां हुआ, देखते हैं कौन बताएगा। टैसलमैन अभ्यास किसके बीच हुआ है, ये कहां पर हुआ था, ये आपको छापना है। एक्वेरिन मैंने यहां लिख दिया है, भारत मालदीव के बीच में हुआ है। अल मोहद, दोस्तों अल हिंदी पूछूं आपसे, लिखिए भारत और सऊदी अरेबिया जो है इन दोनों के बीच में अल मोहद अल हिंदी अभ्यास हुआ है, ये भी आपको छाप लेना है। सवाल आपके सामने, वेरी गुड, टैसलमैन जो अभ्यास तो पूछूं आपसे किसके बीच हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, आश्रय से यहां पर टैसलमैन अभ्यास हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये हमारा पहला सवाल का पोस्टमार्टम हो गया, हर सवाल का पोस्टमार्टम करना पड़ेगा तब हमारा कंटेंट बाहर निकल कर आएगा। ठीक है आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर दो, ये भी दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन है, हु इज द फर्स्ट अरब एस्ट्रोनॉट टू स्टे इन द स्पेस स्टेशन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जो है, ये आपको बताना है आपसे, वो दोस्तों कौन है छापना। अभी दोस्तों हाल ही में ना, अरे अभी दोस्तों हाल ही में कौन आपके, सुल्तान अल नयादी, सुल्तान लिखना, सुल्तान अल नयादी जो आपके, सुल्तान अल नयादी पूछूं आपसे पैसे, पहली बात तो ये कहां के रहने वाले हैं, तो ये यूएई के रहने वाले हैं, पहला सवाल छापेगा। तो ये जो है वो संयुक्त अरब जो अमीरात है हमारा, संयुक्त दोस्तों अरब अमीरात जो है यहां के निवासी है, ये आपको छापना। ठीक है ना, सो नाम क्या है इनका, इनका नाम है सुल्तान अल नयादी जो है, ये इनका नाम है, इन्होंने अपने नाम में सुल्तान लगा लिया है ना, बाकी समस्या तो बाद में, अपने नाम में सुल्तान लगा लो काम खत्म। ठीक है तो सुल्तान अल नयादी से पूछूं आपसे पहली बात दोस्तों, ये कौन आपके, यूएई के दोस्तों, यूएई के क्या है, सो यूएई के ये एस्ट्रोनॉट है, ये भी आपको छापना, यूएई के ये अंतरिक्ष यात्री है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है अब आप पूछोगे सर इनकी दोस्तों खास बात क्या है, इन्हें दोस्तों बोलते हैं क्या, अंतरिक्ष का सुल्तान बोलते हैं इनको, छापेगा, इन्हें कहते हैं अंतरिक्ष का सुल्तान बोलते हैं इनको, क्योंकि दोस्तों ये जो है, क्योंकि दोस्तों ये लिखना, इन्हें बोलते हैं अंतरिक्ष का सुल्तान। अभी दोस्तों हाल ही में ना, अभी दोस्तों हाल ही में ये जो है आपके कहां दोस्तों, आपके जो आपके इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन आपके, मतलब अंतरिक्ष का कमरा है जो आपके, जिसको आप अंतरराष्ट्रीय है, जिसको आप अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो बोलते हो, जो कि जो कि दोस्तों स्पेस में जो कमरा है हमारा, वहां रहकर आए ये। अगर पूछूं आपसे कितना टाइम से, पूछे आपसे कितना टाइम रहकर आए आपके, 186 डे है, 186 दिन जो है उसे रहकर आए, और लिखो सर्वाधिक लंबे टाइम तक, सर्वाधिक लंबे टाइम तक रहने वाले, सर्वाधिक लंबे समय तक ना, लंबे समय तक रहने वाले, सो रहने वाले क्या बन चुके हैं, रहने वाले अरब एस्ट्रोनॉट बन चुके हैं, अरब अंतरिक्ष यात्री बन चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहली बात तो नाम कैसे, नाम इनका हो गया सुल्तान अल नयादी, इन्हें बोलते हैं अंतरिक्ष का सुल्तान बोलते हैं इनको, इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है वहां 186 डे जो है उसे रहकर आए अभी ये, और ये पहले दोस्तों क्या बन चुके हैं, ये पहले अंतरिक्ष यात्री बन चुके हैं अरब के, तो इतने रहकर आए, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है आप पूछोगे सर इनको दोस्तों किस रॉकेट से भेजा गया आपके, इसको लिखना आपसे, इनको दोस्तों इनको जो है वो फाल्कन 9 जो रॉकेट, लिखना फाल्कन 9 जो रॉकेट है इससे हमने भेजा था इनको, ये भी आपको छापना है। ठीक है तो आंसर लिखिए सुल्तान अल नयादी जो है ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया इसका, ये इसका ठीक आंसर है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, अरे यूएई पूछे आपसे, यूएई जो है इसकी राजधानी कौन सा, अबू धाबी जो है, अबू धाबी इसकी राजधानी है, और दोस्तों पूछूं आपसे, पूछे आपसे जायद तलवार जो अभ्यास है, जायद तलवार अभ्यास जो छापना वो किसके बीच में होता है, भारत और यूएई के बीच में जायद तलवार अभ्यास होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भारत और यूएई के बीच में जायद तलवार अभ्यास होता है, ये भी आपको ध्यान। अब दोस्तों अंतरिक्ष आया है, सो अंतरिक्ष में से आप कोई भी एग्जाम देना इस साल तो 100% जो है वो सवाल बनने वाला है। लिखिए सो अंतरिक्ष, आइए अंतरिक्ष का पोस्टमार्टम करते हैं, कुछ बड़े महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों अंतरिक्ष के बारे में आपको नोट करता हूं, नोट कीजिएगा
पूछे दोस्तों आपसे स्पेस छात्रों, पहला क्वेश्चन पूछूं आपसे चंद्रयान 3 लिखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, आप कोई भी एग्जाम देना सवाल यहां से निश्चित पूछने वाला है, ठीक है। चंद्रयान 3 आपके छापना आदित्य L1 मिशन, कौन सा है आदित्य L1 मिशन होगा आपके चंद्रयान 3 आदित्य L1 मिशन आपके। बाकी दोस्तों DSSAR लिखिए, DSSAR हो गया है। आगे दोस्तों लिखना आपके, आगे लिखिए आपके NVS01 हो गया है, NVS01 हो गया, चंद्रयान 3 आदित्य L1 DSSAR और NVS01, ये चार सवाल आपके सामने। चंद्रयान 3 पूछूं आपसे, अरे किससे लॉन्च हुआ है, LVM3 M4 से लॉन्च हुआ, ये आपको छापना है, ठीक है। LVM3 M4 से हमने इसको लॉन्च किया। और सो पूछूं आपसे, सो 23 अगस्त छापना, 23 अगस्त की तारीख को चांद का जो साउथ पोल है वहां रसगुल्ला लैंड कर चुका है, सो विक्रम दोस्तों इसका लैंडर हो गया है। और दोस्तों याद करो, जहां दोस्तों लैंड किया उस स्थान को बोलते हैं शिव शक्ति पॉइंट, क्या बोलते हैं उस स्थान को शिव शक्ति तो पॉइंट बोलते हैं। और दोस्तों इस तारीख को साना, इस तारीख को जो है हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप पूछोगे सर ठीक बात है, अगर सो पूछूं आपसे कि भाई साहब सो पूछे LVM3 M4 रॉकेट से लॉन्च हुआ है, चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बन चुका है, शिव शक्ति पॉइंट पूछ सकता है आपसे, नेशनल स्पेस डे पूछ सकता है आपसे, कब बनाते हैं, ये सारी चीजें आपके सामने, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, आदित्य पूछे आपसे, आदित्य दोस्तों L1 जो मिशन छापना, पूछूं आपसे आदित्य L1 मिशन ये किससे लॉन्च होता है, PSLV C 57 से लॉन्च हुआ है, 2 सितंबर की तारीख से आपके लॉन्च हुआ आपके। पूछूं आपसे कहां दोस्तों आपके सो ये जाना, ये सो लैंग्रेज हो, ये सो लैंग्रेज जो 1 पॉइंट है वहां जाने वाला है, याद करो सो कितना किलोमीटर से, 1,500,000 किलोमीटर दूर आपके स्थित छापन सो यहां स्थित आपके, यहां दोस्तों अर्थ और सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको बराबर हो जाता है आपके, स्थिर पॉइंट लैंग्रेज पॉइंट है, ऐसे 5 पॉइंट यहां पर है, हमने लॉन्च किया है 57 से आदित्य L1 मिशन, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए DSSAR सो ये सिंगापुर का, किसका, ये सिंगापुर का उपग्रह रसगुल्ला, पूछूं आपसे भाई साहब सो इसको तो पूछूं आपसे, इसको पूछूं आपसे लॉन्च किससे किया हमने, PSLV C56 से लॉन्च किया, ये भी आपको छापना है। तो सिंगापुर के उपग्रह लॉन्च होते हैं, कौन सा, DSSAR PSLV 56 से लॉन्च हुआ, ये भी आपको छापना है। पूछूं आपसे NVS 0 लेकिन नेविगेशन की सेकेंड पीढ़ी का पहला जो उपग्रह है वो है NVS 01 दोस्तों। पूछूं आपसे इसको हमने किससे लॉन्च किया सो, इसको लॉन्च किया हमने GSLV F12 से लॉन्च किया, ये भी आपको छापना है। सवाल दोस्तों परीक्षा में आने दो एक बार, अगर आपको ये सितंबर जो माह की जो क्लास चल रही है ना मेरी, आप तो बस इनको पढ़ लेना एक बार, परीक्षा का सवाल आएगा आपके सामने, आप फोड़ कर आओगे उसको, गारंटी है मैंने ना। ये सवाल पूछेगा आपसे चंद्रयान 3 आदित्य L1 मिशन DSSAR NVS 01, ये चारों सवाल आप छाप लीजिए। एक दोस्तों महिला का नाम लिख लो, अरे कौन सी हिला महिला लिखना, क्रिस्टिना कोच, कौन सा, कृष्णा कोच छाप लो, क्योंकि दोस्तों ये दोस्तों छाप लो सो ये आपके लिखना, कृष्णा कोच जो है वो चांद पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है, इसलिए आपको नाम लिखा रहा हूं सो, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री पूछो आपसे, कृष्णा कोच हो गई है। पूछो दोस्तों आपसे कौन सा मिशन आप कैसे हो, ये मिशन हो गया आर्टेमिस मिशन, कौन सा हो गया है, आर्टेमिस मिशन हो गया है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे कहां से, कहां की रहने वाली सो, ये USA की रहने वाली, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो कृष्णा कोच नाम लिख लीजिए आपके, चांद पर जाने वाली पहली महिला एस्ट्रोनॉट है, आर्टेमिस मिशन हो गया है, अमेरिका रहने वाली, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में G77+ चीन का शिखर सम्मेलन जो है कहां आयोजित हुआ है, फिर देखिए एक और पोस्टमार्टम करने वाला सवाल आपके सामने, ठीक है, एक और पोस्टमार्टम वाला सवाल है। G77+ चीन, देखो G7, जी आपके 8, G20, G21 और G77, आपकी खोपड़ी खराब हो जाएगी भाई साहब इन सबको सुन के। G77+ चीन सुना, G77+ चीन पूछूं आपसे, G77
प्लस चीन दोस्तों। अभी दोस्तों हाल ही में क्या हुआ है, अभी दोस्तों हाल ही में इनका शिखर सम्मेलन जो है वो आयोजित हुआ है। क्या अभी दोस्तों हाल ही में इसका शिखर सम्मेलन जो है आयोजित हुआ है, क्योंकि दोस्तों मैंने ऐसे क्यों लिखा, अरे याद करो, याद करो मैंने आपको ऐसे लिखा ना, आसियान और इंडिया, सो आसियान और इंडिया का शिखर सम्मेलन जो है, ऐसे मैंने लिखा था ना, आसियान इंडा, आसियान इंडिया शिखर सम्मेलन पूछा आपसे, क्योंकि दोस्तों इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है, इसलिए सो ऐसे आसियान इंडिया शिखर सम्मेलन लिख रहे हैं हम। अगर पूछूं आपसे क्या चीन जो है, क्या चीन G77 का मेंबर आपके नहीं है, इसलिए सो लिखा है G77 प्लस चीन का, ना तो ध्यान आपके सवाल से पूछे आपसे क्या G77 का सो मेंबर आपके, क्या दोस्तों इसका मेंबर चीन है, तो नहीं है मेंबर। अभी दोस्तों हाल ही में सम्मेलन हुआ दोनों के बीच में, G77 ग्रुप दोस्तों और आपके चीन जो है दोनों के बीच में शिखर सम्मेलन हुआ है। आप पूछोगे सर क्यों हुआ, सो लिखिए ग्लोबल साउथ, सो ग्लोबल साउथ जो है इसको को मजबूत करने के लिए सम्मेलन हुआ है, ये भी आपको छापना है। अरे दोस्तों ग्लोबल साउथ, दोस्तों साउथ पूछूं आपसे विकासशील, दोस्तों विकासशील आपके विकासशील देशों का ग्रुप जो है उसे बोलते हैं साउथ। आपको याद कीजिए आपके ग्लोबल साउथ G20 में बताया था ना कि ग्लोबल साउथ विकासशील जो देश है उसका जो आपके ग्रुप है उसे ग्लोबल साउथ बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आप पूछोगे सर ये जो सम्मेलन हुआ है, आप पूछोगे सर कहाँ हुआ, तो लिखो ये सम्मेलन जो है वो हुआ है हवाना, कहां सो हवाना, सो यहां पर हुआ है। हवाना किसकी राजधानी, सो क्यूबा की राजधानी, ये भी आपको छापना है, ठीक है, तो हवाना के अंदर हुआ है सम्मेलन, क्यूबा सो यहां की राजधानी है आपके हवाना, ये भी आपको छापना है। पूछे आपसे कहां हुआ, हवाना में हुआ। आप पूछोगे सर इसमें कौन कौन से कॉन्टिनेंट शामिल, सो अफ्रीका शामिल है इसमें, अफ्रीका दोस्तों इसमें ना अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, सो एशिया हो गया है, और जो आपके अमेरिकन है आपके साउथ अमेरिका, सो आपके जो है लैटिन जो अमेरिका है वो सारे शामिल है, तो अफ्रीका एशिया अमेरिका शामिल है। क्या दोस्तों यूरोप शामिल होगा, नहीं होगा, वहां दोस्तों डेवलपिंग कंट्री है ही नहीं, तो यूरोप शामिल नहीं होगा इसके अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन हो गया है ग्लोबल साउथ को बढ़ावा देने के लिए सम्मेलन हुआ इनके बीच में, हवाना यहां हुआ है, क्यूबा के अंदर हुआ है, आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर एक, ठीक आंसर हो गया है, क्यूबा दोस्तों यहां पर हुआ है। अगर आपसे पूछ ले कि भाई साहब सो अगर पूछूं आपसे क्यूबा जो है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बाउल ऑफ, इसे बोलते हैं बाउल ऑफ शुगर, इसे बोलते हैं बाउल ऑफ शुगर, चीनी का कटोरा, क्या बोलते हैं इसे, बोलते हैं बाउल ऑफ शुगर, छापना। पूछूं आपसे तो क्यूबा क्या बोलते हैं, बाउल ऑफ शुगर बोलते हैं, हवाना इसकी राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों नोट करना, एक दोस्तों मैंने पढ़ाया आपको G7, याद रखो एक मैंने पढ़ाया G7, फिर दोस्तों मैंने पढ़ाया आपको कौन सा, फिर पढ़ाया रसगुल्ला मैंने आपको G8, क्या पढ़ाया G8, फिर दोस्तों पढ़ाया मैंने आपको G20 दोस्तों, फिर मैंने पढ़ाया आपको G21 दोस्तों, है ना, फिर पढ़ाया मैंने आपको G77, ये पांच समूह आपके सामने है, G7, G8, G20, G21, G77, आप शहीद हो जाओगे G के अंदर, G4 गौरव और आप शहीद, ठीक है, सुनिएगा G7, अरे बेटा बाउल की स्पेलिंग BOUL नहीं होती है, बाउल है ना, अरे बाउल BOUL नहीं होती है, बाउल की स्पेलिंग BOWL होती है ना, BOUL नहीं होती है बाउल की स्पेलिंग, ठीक है। अब सुनिए मैंने भी हाँ BOWL होती है ना, अब देखिए पूछे आपसे G7 इसमें सात देश शामिल हैं, याद करो आपके, अरे सात देश कौन कौन से हैं, अरे गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, लिख लो गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, G4 जर्मनी, F4 फ्रांस, J4 जापान, और U4 अमेरिका, I4 इटली, नोकी इंडिया, ठीक है, C4 कनाडा, और E4 इंग्लैंड, ठीक है, ये सात देश शामिल किसमें हैं G7 में, जर्मनी फ्रांस जापान अमेरिका इटली कनाडा इंग्लैंड। अभी दोस्तों हाल ही में छापना, अभी दोस्तों हाल ही में इसका जो सबमिट हुआ है छापना, कहां से, हिरोशिमा के अंदर सबमिट हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है, तो जापान दोस्तों यहां पर आपके 49 सबमिट जो है छापना, ये हिरोशिमा के अंदर हुआ है, ये भी आपको छापना है। ये हो गया G7 आपके सामने, ठीक है। पूछूं आपसे जो G8 आपके, अगर दोस्तों इसके अंदर छापना, अगर सो इसके अंदर रूस शामिल हो गया है तो ये बन गया G8, ये भी आपको छापना, ठीक है, अगर सो इसके अंदर रूस शामिल हो गया तो बन गया G8, ये भी आपको छापना है। पूछो दोस्तों आपसे G20 आपके,
इसमें दोस्तों 19 देश शामिल हैं और दोस्तों इसके अंदर आपके एक संगठन ईयू जो है वो शामिल है। इसकी स्थापना 1999 में इसकी स्थापना होती है। पूछूं आपसे इसका तो मुख्यालय सो, इसका मुख्यालय कहीं पर भी नहीं है अभी दोस्तों। हाल ही में स्थापना 23 में इसका पूछे आपसे होस्ट कौन दोस्तों, इसका होस्ट भारत जो है वो इसका दोस्तों होस्ट था। पूछूं आपसे किस थीम के साथ में सो, वसुधैव कुटुंबकम जो थीम है इसके साथ में था। वन अर्थ वन फैमिली सो, वन नेशन थीम है। पूछूं आपसे पूछे आपसे अगली साल इसका होस्ट कौन होगा, अगली साल जो इसका होस्ट है वो ब्राजील होने वाला है, ये भी आपको छापना था। और पिछली साल जो इसका होस्ट छापना, पिछली बार जो इसका होस्ट था वो इंडोनेशिया इसका होस्ट है, ये भी आपको ध्यान रहा है। अगर आपसे पूछ ले कि G20 की तो जो पहली बैठक है, पूछे आपसे पहला शिखर सम्मेलन जो है वो कहां पर हुआ है, इसका आंसर छापिस हो पहला शिखर सम्मेलन जो है ये कहां पर आयोजित हुआ है, इसका आंसर छापना आपको। G20 का पहला समिट जो है वो कहां पर हुआ था, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। अब दोस्तों मैंने कहा कि पहले दोस्तों इसका नाम G20 था दोस्तों, अब इसका नाम हो चुका है आपके G21 हो चुका है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आपके सो G20 में एक देश शामिल हो गया है, उसका नाम क्या है, उसका नाम सो अफ्रीकन यूनियन हो गया है। पूछूं आपसे अफ्रीकन यूनियन आपके इसमें 55 देश शामिल है इसके अंदर, और सो पूछे आपसे कि भाई साहब इसके अंदर 55 देश शामिल है इसमें, और पूछूं आपसे इसका मुख्यालय अदिस अबाबा जो है वो इसका मुख्यालय हो गया, सो इथियोपिया की राजधानी है, ये आपको छापना है। और 1963 में इसकी स्थापना होती, ये भी आपको ध्यान रहे। मैंने सवाल पूछा आपसे कि G20 की सो पहली बैठक जो है वो कहां पर, सो अमेरिका वाशिंगटन डीसी, छापना सो अमेरिका वाशिंगटन जो डीसी है यहां इसकी पहली बैठक होती है 2008 के अंदर, यह भी आपको ध्यान रखना, ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है, यह भी आपको छाप लेना है। अब दोस्तों मैंने कहा सो आपके, अब दोस्तों एक और आपके G77 सो, इसके अंदर अफ्रीका एशिया और अमेरिका जो आपके यहां के जो विकासशील देश है वो शामिल है इसमें। क्या दोस्तों चीन इसका मेंबर है, रसगुल्ला चीन जो है वो इसका मेंबर नहीं है, यह भी आपको छापना है, चीन दोस्तों मेंबर नहीं है। पूछूं आपसे इसमें 1964 में इसकी स्थापना होती है, चीन मेंबर नहीं है, 1964 इसकी स्थापना होती है, क्योंकि दोस्तों विकासशील देश शामिल है इसमें, और सो विकासशील दोस्तों देश है आपके, तो भाई साहब इसमें लगभग दोस्तों आपके 80% जो पॉपुलेशन जो है वो इसमें शामिल है, 80% विश्व की 80% जो पॉपुलेशन है, अधिकांश जो पॉपुलेशन है वो इसमें शामिल है, ये भी आपको छापना है। तो G7, G8, G20, G21, G77 ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा वाला पूछेगा तो आपको बता देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके सामने। अगर दोस्तों पूछे आपसे आसियान शिखर सम्मेलन हो ही गया हमारा क्यूबा के अंदर आपके, सो क्यूबा दोस्तों यहां पर आपके G77 और सो चीन जो है इसका सम्मेलन हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में COVID-19 महामारी के बाद गांधी वॉक का आयोजन पूछे कहां हुआ है, वेयर हैज गांधी वॉक बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली आफ्टर द COVID-19 सो पेंडेमिक। पूछूं आपसे गांधी सो गांधी वॉक, पूछे आपसे गांधी वॉक जो है इसका आयोजन कहां हुआ है, अरे गांधी वॉक छापना इसका दोस्तों आयोजन, पूछे आपसे इसका जो आयोजन है वो कहां पर हुआ, सो इसका आयोजन हुआ है जोहान्सबर्ग, कहां पर हुआ है जोहान्सबर्ग जो स्थान है यहां आयोजन हुआ है, सो कहां साउथ अफ्रीका जो है, छापना साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। तो गांधी वॉक सो पूछे आपसे गांधी वॉक का आयोजन छापना सो जोहान्सबर्ग के अंदर हुआ है, ये कहां सो आपके ये साउथ अफ्रीका के अंदर स्थित है आपके गांधी वॉक। लिखिए COVID-19 के बाद में, COVID-19 के बाद सो पहली बार जो है इसका आयोजन हुआ है, ये भी आपको छापना है। तो COVID के बाद पहली बार जो आयोजन हुआ है, लेकिन दोस्तों ये पहली बार नहीं है, कोविड के बाद पहली बार आपके, लिखिए सो ये इसका 35, सो ये इसका 35 क्रम है, संस्करण है, ये भी आपको छापना है। तो पूछूं आपसे ये इसका 35 क्रम है, ये भी आपको छापना है। पूछे कि भाई साहब कितना, ये 6 किलोमीटर सो 6 किलोमीटर आपके सो पैदल आपके यात्रा है, 6 किलोमीटर की पैदल से यात्रा है आपके, 35 नंबर है, जो हांसवर्ग में इसका आयोजन हुआ है, कोविड के बाद पहली बार हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो लगाइए आंसर, जो हांसवर्ग ऑप्शन नंबर बी आंसर दोस्तों आपके, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया है। गांधी वॉक कहां सो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर हुई है, दक्षिण अफ्रीका दोस्तों याद करो। पूछूं आपसे अगर दोस्तों पूछे आपसे कि अभी दोस्तों हाल ही में पूछूं आपसे ब्रिक्स दोस्तों
पूछे आपसे ब्रिक्स जो है 2023 से इसका होस्ट कौन सा हो, इसका होस्ट लिखना, साउथ अफ्रीका इसका होस्ट हो गया है। याद कुछ याद करो, 21 में इंडिया, 22 में चाइना, 23 में साउथ अफ्रीका, 24 में ब्राजील होगा, ये आपको छापना, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका किसका दोस्तों, ये आपके होस्ट हो चुका, किसका, ब्रिक्स का होस्ट हो चुका है। यही दोस्तों अभी हाल ही में, अरे यही दोस्तों अभी हाल ही में क्या हुआ है, अभी दोस्तों हाल ही में अंडर 19 महिला T20 जो वर्ल्ड कप है इसका दोस्तों आयोजन हुआ था आपके, ये भी आपको छापना, ठीक है। तो अंडर 19 महिला T20 जो वर्ल्ड कप दोस्तों इसका आयोजन हुआ है। अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ जो घास के मैदान है उन्हें क्या कहते हैं, ये आपको छापना, ठीक है। यहाँ जो घास के मैदान है उन्हें क्या बोलते हैं, और दोस्तों एक सवाल इतिहास का पूछ रहा हूँ आपसे, एक सवाल से इतना पूछ रहा हूं आपसे कि कैप ऑफ गुड होप, पूछे आपसे कैप ऑफ गुड होप जो है वो किस, आपके सो वो किस देश के अंदर स्थित है, ये आपको छापना है। कैप ऑफ गुड होप महत्वपूर्ण सवाल है, आशा अंतरीप, सो इसे बोलते हैं हिंदी के अंदर आशा अंतरीप बोलते हैं इसको हिंदी में, बताओ कैप ऑफ गुड होप जो है वो कौन से देश के अंदर स्थित है, ये आपको छापना है। मैंने पूछा आपसे कि भाई यहां दोस्तों जो घास के मैदान छाप इन्हें बोलते हैं क्या, इन्हें बोलते हैं बेल्ट्स, ये भी आपको छापना है। डाउन्स नहीं, डाउन्स तो ऑस्ट्रेलिया में ना, वेल्स बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सवाल दोस्तों एक और पूछा मैंने आपसे, ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, कैप ऑफ गुड होप जो है ये कौन सा, मैंने कॉन्टिनेंट थोड़ी पूछा है, मैं मारूंगा भाई साहब घुमा के आपको, कॉन्टिनेंट थोड़ी पूछा है कौन से देश के अंदर स्थित है, और इसकी खोज करने वाला, इसकी खोज करने वाला कौन था ये बताइए आप, इसकी खोज करने वाला कौन है ये आपको छापना है, ठीक है। देखिए दोस्तों ये हो गया अफ्रीका, दोस्तों ये अफ्रीका है रसगुल्ला, यहाँ पर सो ये अफ्रीका हो गया है, और यहाँ दोस्तों इसका जो साउथ पॉइंट छापना ये है कैप ऑफ गुड होप, कौन सा है, यह है कैप ऑफ गुड होप, जो कि दोस्तों कहाँ पर, जो साउथ अफ्रीका, यहाँ पर इसे छापना कैप ऑफ गुड होप। इसकी पूछूँ आपसे खोज करने वाला छापना, इसकी खोज करने वाला बार्थोलोमिया डियास था, जो कि दोस्तों कहां का, जो कि रसगुल्ला, सो पुर्तगाल का रहने वाला है, ये भी आपको छापना, ठीक है। तो पुर्तगाल का रहने वाला है बार्थोलोमिया डियास, 1488 छाप दो, 1488 में इसने इसकी आपके खोज की, ये भी आपको छापना है। तो बार्थोलोमिया डियास, क्योंकि दोस्तों ये जो बार्थोलोमिया, ये दोस्तों यहां दोस्तों पुर्तगाल से भारत को निकला था आपके, यहां पहुंचा, यहां पहुंचकर बोलता है कि भाई यहां पर जो है उम्मीद की किरण है कि भाई आगे इंडिया हो सकता है, आगे नहीं गए, इसने बोला ये उम्मीद की किरण होने वाली है, ये आशा किरण होने वाली है, इसको कैप ऑफ गुड होप नाम दे दिया इसने, और ये आपके सामने साउथ अफ्रीका के साउथ में स्थित है ये, और बार्थोलोमियो डियास ने खोज की है, ये आपको छापना है, ये पुर्तगाली था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों सवाल ये बोल रहा है गांधी वॉक, तो क्यों ना दोस्तों गांधी जी के बारे में 8-10 बड़े महत्वपूर्ण सवाल छाप लो, अरे हर सवाल के अंदर पोस्टमार्टम करना पड़ेगा रसगुल्ला, तभी काम बनेगा, ठीक है। लिखिए, सो पूछूं आपसे पहला पॉइंट गांधी इज बैक, पूछूं आपसे गांधी जी जो है सो वो भारत कब आए थे आपके, सेकंड, इनको महात्मा की उपाधि देने वाले कौन थे आपके, थर्ड दोस्तों पूछूं आपसे गांधी इज बैक, गांधी जी भारत कब आते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने, सेकंड दोस्तों पूछूं आपसे इन्हें महात्मा की उपाधि सो इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, इनके राजनीतिक गुरु कौन थे आपके, थर्ड क्वेश्चन इनके राजनीतिक गुरु कौन थे आपके, फोर्थ दोस्तों इन्होंने कांग्रेस की जो अध्यक्षता है वो कब की है, ये फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने, इन्होंने कांग्रेस की जो अध्यक्षता है वो कब की है, गांधी इज बैक, महात्मा गांधी सो इनकी जो फेमस पुस्तक है उसके नाम क्या है, ये पांच सवाल आपके सामने, ठीक है। गांधी जी बैग छापना सो गांधी जी कब वापस आए थे, 9 जनवरी 1915 को सो अफ्रीका से गांधी जी वापस आते हैं, ये भी आपको छापना है। प्रवासी भारतीय दिवस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गांधी जी को पूछे आपसे महात्मा की उपाधि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने दी थी, ये भी आपको छापना, ठीक है। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा की उपाधि दी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछो इनके दोस्तों इनके पॉलिटिकल जो गुरु हैं वो कौन थे आपके, पूछे पॉलिटिकल गुरु आपके, लिख लो गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो दोस्तों इनके पॉलिटिकल गुरु थे, ये आपको छापना है। क्या नाम है,
गोपाल कृष्ण गोखले इनके पॉलिटिकल गुरु हैं। ठीक है, सवाल पूछो कांग्रेस से, पूछे आपसे कांग्रेस में कब दोस्तों इन्होंने अध्यक्षता की इच्छा अपना 1924 में सो बेलगाम अधिवेशन हुआ था, बेलगाम अधिवेशन हुआ है, लिखिए सो कहां पर हुआ छापना, ये हुआ है सो कर्नाटक के अंदर हुआ आपके, इसकी अध्यक्षता तो एक बार की आपके गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 24 के अंदर बेलगाम के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पूछे आपसे कि भाई जो बुक है सो पूछे आपसे इनके दो बुक छाप लीजिए, एक तो स्वराज पूछूं आपसे, स्वराज पूछे आपसे जो एक तो पूछूं आपसे ना, एक तो पूछे आपसे सत्य के साथ, लिखिए सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ प्रयोग छापना, एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ छापना, सो ये इनकी क्या है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग आपके छाप लीजिए। एक तो ये बुक हो गई इनकी, एक बुक और कौन बताएगा आप में से, आज मेरा हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, लिखो हिंद स्वराज, कैसो हिंद स्वराज बुक जो है ये भी इनकी, ये भी आपको छापना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके गांधी जी का जन्म कब हुआ ये नहीं लिखाऊंगा मैं आपका ना, जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई ये तो आप जानते ही हो। ठीक है, गांधी जी के ऊपर निबंध लिखो, पहली लाइन, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ, गांधी जी की मृत्यु 1948 में होती है, गांधी जी बहुत अच्छे थे, हमारा नेता कैसा हो गांधी जी जैसा हो, जय हिंद वंदे मातरम। ठीक है, हाल ही में यूजीन डायमंड लीग फाइनल 2023 में पोल वोल्ट में सातवीं बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले मोंडो डुप्लांटिस जो है का संबंध किस देश से, भाई साहब दोस्तों सात बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने वाला, खुद का रिकॉर्ड खुद ही तोड़ रहा है, सात बार तोड़ चुका है, पता नहीं क्या चाहता है जिंदगी में, शादी नहीं हुई इसकी, पक्की बात है ना। लेकिन आपके यूजिन, लिखना यूजिन डायमंड लीग, सो यूजिन डायमंड लीग छापना, यूजिन डायमंड लीग, अगर दोस्तों आपको याद हो इसी दोस्तों डायमंड लीग में अभी दोस्तों हमारे पास में एक सिल्वर मेडल आया था, पहले हम उसको लिख लेते हैं दोस्तों हमारा, इसलिए पहली बात तो इसका आयोजन कहां पर हो रहा छापना, आयोजन इसका अमेरिका में हो रहा है, ये भी आपको छापना। ठीक है, तो यूजेन डायमंड लीग कहां पर सो अमेरिका में हो रही है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, आप पूछोगे सर ठीक बात है डायमंड में, सॉरी आपके अमेरिका में हो रहा है ये, इसमें दोस्तों इसमें नीरज जो है ना, इसमें दोस्तों इसमें भाला सो भाला फेंक के अंदर छापना, भाला सो भाला फेंक के अंदर जो नीरज चोपड़ा है इन्होंने इसमें सिल्वर मेडल जीता, ये भी आपको छापना। ठीक है, भाला फेंक में सिल्वर मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा हो गए, फिर गोल्ड जीतने वाला कौन था लिखवाया था मैंने आपको सो, फिर गोल्ड जीतने वाला कौन था और वो किस देश का खिलाड़ी है, ये नाम मैंने लिखवाया हुआ है, देखते हैं किसको याद होगा ना। यूजेन डायमंड लीग में सिल्वर मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा थे आपके भाला फेंक के अंदर, गोल्ड किसने जीता है वो मैंने आपसे पूछा यहाँ पर। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे अभी दोस्तों हाल ही में आपके मोंडो, अभी दोस्तों हाल ही में मोंडो डुप्लांटिस, मोंडो डुप्लांटिस नाम ध्यान रखना, मोंडो डुप्लांटिस दोस्तों अभी दोस्तों हाल ही में ये छापना दोस्तों, अभी दोस्तों हाल ही में उन्होंने पोल वोल्ट जो है पोल वोल्ट में गोल्ड जीता, सो पोल वोल्ट में गोल्ड जीता है और सातवीं बार अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा, इन्होंने सातवीं बार अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया, ये भी आपको छापना है। ठीक है, तो पोल वोल्ट में मोंडो डुप्लांटिस ने गोल्ड जीता है, पूछे आपसे जैकब, वेरी गुड सुना जैकब, सो पूछूं आपसे गोल्ड जीतने वाला कौन, सो गोल्ड जीतने वाला जैकब हो गया है, कहां सो आपके चेक रिपब्लिक जो है यहां का रहने वाला है, ये भी आपको छापना है। पूछे आपसे पोल वोल्ट के अंदर मोंडो डुप्लांटिस आपके गोल्ड जीते हैं, आपके सात बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया आपके, पूछूं आपसे ये कहां जो है ये स्वीडन के रहने वाले, ये भी आपको छापना है कहां के, तो स्वीडन जो है यहां के रहने वाले, ये भी आपको ध्यान रखना है, लिखिएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा सर, स्वीडन दोस्तों यहां के रहने वाले, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर सो पूछूं आपसे फ्रांस, पूछे आपसे इसकी राजधानी सो पेरिस इसकी राजधानी होगी, लिखना आपके पेरिस राजधानी इसकी, रूस की राजधानी सो मॉस्को रूस की राजधानी है, अच्छा स्वीडन पूछे आपसे इसकी राजधानी स्टॉकहोम इसकी राजधानी है, अरे 1972 पूछे आपसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर सम्मेलन कहां हुआ, स्टॉकहोम में होता है, सो कनाडा राजधानी पूछो आपसे ओटावा इसकी राजधानी है, टिट फॉर टैट इन्होंने हमारा निकाला, हमने इनका निकाला और इनको बोला है 5 दिन का टाइम बाबू भैया, हाँ 5 दिन का टाइम है,
ध्यान रखना, कनाडा वालों को बोल दिया है 5 दिन में अपने आदमी को सू समेत ले जाना, ठीक है। हमने इनको बोल दिया है, ओटावा इसकी राजधानी है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। अभी दोस्तों हाल ही में आपके, अरे अभी दोस्तों हाल ही में 3 आपके बड़ी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता, याद करो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप अभी कहां पर हुई है, याद करो आपके कहां दोस्तों, इनका होस्ट कौन है वो आपको छापना, ठीक है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, विश्व शतरंज पूछूं आपसे, वर्ल्ड चेस वाली कहां पर हुई है आपके सो, बैडमिंटन वाली कहां पर हुई है सो, और जो महिला और जो बॉक्सिंग वाली है आपकी, जो बॉक्सिंग वाली है ये कहां पर हुई है आपके, महिला फीमेल और मेल जो है, ये 4-5 सवाल आपके सामने, महत्वपूर्ण सवाल रसगुल्ला देखिएगा। वर्ल्ड पूछूं आपसे, एथलेटिक्स वाली जो है वो कहां पर सो, ये हंगरी के अंदर हुई है, हंगरी में कहां, सो बुडापेस्ट के अंदर हुई है छापना, हंगरी बुडापेस्ट में, इसमें तो नीरज चोपड़ा जो है इन्होंने गोल्ड जीता था आपके 88.17 मीटर से दूर भाला फेंक कर जीता गोल्ड छापना नीरज चोपड़ा ने, ठीक है। तो लिखिए नीरज चोपड़ा हो गया, हंगरी बुडापेस्ट में एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ है और गोल्ड जीत लिया इन्होंने, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। पूछूं आपसे चेस वाला, अरे याद करो सो चेस वाला पूछे आपसे, चेस वाला बाकू अजरबैजान, याद करो बाकू अजरबैजान लिखा है था मैंने आपको, बाकू अजरबैजान छापना, चेस वाला कहां पर हुआ है, बाकू दोस्तों अजरबैजान के अंदर हुआ है, और इसमें दोस्तों आपके आर प्रज्ञा दोस्तों नंदा छापना इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, पूछूं आपसे बैडमिंटन वाला कोपेनहेगन पूछो कहां पर सो, डेनमार्क में, कहां, डेनमार्क के अंदर कोपेनहेगन, ये आपको छापना है। यहां दोस्तों जो एच प्रणय है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। महिला बॉक्सिंग पूछो आपसे सो, भारत में हुई है, भारत के अंदर हुई है, यहां सो भारत ने 4 गोल्ड जीते छापना, जीतने वाले कौन आपके, अरे नीतू गंगास, स्यूटी बोरा लवलीना बोरगोन आपके, पूछो आपसे नीतू गंगा, श्यूटी बोरा, लवलीना सो आपके और निखा जरीन, 4 नाम छाप लीजिए गोल्ड आपके। पूछो आपसे बॉक्सिंग वाला जो मेल हुआ छापना, अरे पुरुष बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है इसका पूछे आपसे जो आयोजन हुआ छापना सो, कहां हुआ है, ताशगंद के अंदर हुआ छापना, ताशगंद उज्बेकिस्तान के अंदर है। अरे ये सवाल आपसे निश्चित, आप यकीन मानना, ये जो क्लासेस चल रही है ना मेरी, इन क्लासेस को आप ध्यान से देखना, इस महीने की जो क्लास है वो आपके परीक्षा के लिए कंटेंट के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। सवाल कहीं तो पूछेगा ना यार, एथलेटिक्स वाला पूछे, शतरंज वाला पूछे, बैडमिंटन वाला पूछे, बॉक्सिंग वाला पूछे, अधिकांश लोग इनको भूल चुके होंगे, तब तो याद था हर किसी को, अब भूल गए, पर मैं बार बार आपको पढ़ाऊंगा तो याद हो ही जाएगा। मुश्किल नहीं दुनिया में कुछ भी, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, आपको केवल कोशिश करनी है, केवल कोशिश करते रहिए। पोल वोल्ट आपके सामने सो, पोल वोल्ट खेल हो गया है, डुप्लांटिस आपके सामने स्वीडन का रहने वाला सो, नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, WR से किए, न्यू WR है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये आपके सामने, डुप्लांटिस हो गया, ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना में शामिल की गई DRDO द्वारा विकसित स्वयं निष्क्रिय सेल्फ इनएक्टिव एंटी टैंक जो माइंस आपके पूछा आपसे, सेल्फ इनएक्टिव एंटी टैंक जो माइन है वो डेवलप की अभी हाल ही में, पूछे आपसे तो डेवलप हुई है, उसका नाम क्या है, चारों ही ऑप्शन जहर ऑप्शन है, चारों ही ऑप्शन विभव प्रबल वरुणास्त्र ओरोन, एक नाम और लिखना अभी आगे लिखाऊंगा, पहले ये देखिए आपके, अभी दोस्तों हाल ही में आपके डीआरडीओ और कल्याणी ग्रुप, अभी दोस्तों हाल ही में इन्होंने विभव दोस्तों बनाया छापना, विभव जो है इसका विकास किया आपके, विभव दोस्तों इसका विकास किया है। आप पूछोगे सर पहली बात तो ये जो विभव है वो क्या है दोस्तों छापना, महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा वाला पूछेगा विभव क्या है केवल यही पूछेगा आपसे, तो ध्यान रखना सो, विभव पूछे आपसे सो, विभव जो है लिखना आपके, विभव जो है आपके सो, ये एंटी टैंक्स माइंस है जो कि सेल्फ एक्टिवेट है ना, स्वयं निष्क्रिय आपके, सेल्फ इनएक्टिव आपके, स्वयं निष्क्रिय
एंटी टैंक माइंस, एंटी टैंक्स माइंस पूछूं आपसे, स्वयं निष्क्रिय है, एंटी टैंक्स माइंस है जो कि प्लास्टिक से बनी हुई छापना, प्लास्टिक से निर्माण उसका हुआ है, प्लास्टिक से निर्माण हुआ इसका, स्वयं निष्क्रिय अपने आप दोस्तों इनएक्टिव हो जाएगी, है ना, अपने आप इनएक्टिव हो जाएगी। पूछूं आपसे कितने टाइम, कितने टाइम के बाद में लिखना, 120 दिन के बाद में, 120 दिन के बाद में, 120 दिन के बाद में, 120 दिन के बाद छापना। सो अपने आप क्या होगी, सो अपने आप इनएक्टिव हो जाएगी। ये पूछूं आपसे इसको दोस्तों बनाने के बाद में हम कितने टाइम रख सकते हैं छापना, इसके दोस्तों पूछे आपसे इसकी जो भंडारण क्षमता है आपके जो है कितने, 10 साल, ये भी आपको छापना दे 10 साल, सो आपके 10 साल इसके भंडारण क्षमता है, 20 आपके 120 दिनों के बाद में अपने आप आपके इनएक्टिव हो जाएगी, ये आपको छापना है। पूछे आपसे किसने बनाया इसको, DRDO कल्याणी ग्रुप ने बनाया है, और अभी दोस्तों हाल ही में इसको जो है वो भारतीय जो सेना है उसने शामिल कर लिया है। अरे दोस्तों माइंस जानते हो ना आप, ये एंटी टैंक्स माइंस जानते हो ना क्या होते हैं आपके, अभी याद कराऊंगा देखना, भारतीय सेना यहां दोस्तों शामिल हो चुका है। अरे दोस्तों वो फिल्म देखी है आपने, संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं कि घर कब आओगे, याद करो बॉर्डर सुप्रीम आपके उसमें, ये धरती मेरी माँ है, सुनील शेट्टी आपके हाथ में लेकर भागता है दोस्तों, सुनील शेट्टी सो वो सो आपके एक सो हीटर जैसा होता है ना, हीटर जैसा होता है, उसको हाथ में लेके भागता है ना, वही दोस्तों हीटर जो है आपके, हीटर जैसा इस प्रकार से कुछ होता है ना, हीटर की तरह होता है, हाथ में लेके भागता सो टैंक के पीछे और टैंक के नीचे डाल देता उसको, टैंक फट जाता है, ऐसे फटता नहीं है वैसे, है ना, मान लीजिए फट जाता है। ये फोटो आपके सामने सो ये है, देख लीजिए विभव आपके सामने, यहाँ लिख रहा है विभव आपके, ये है एंटी टैंक माइंस है जो कि दोस्तों सेल्फ एक्टिवेट हो जाए, सेल्फ इनएक्टिवेट हो जाएगी कुछ दिनों के बाद में, आपके खुद इनएक्टिवेट हो जाएगी आपके, और 10 साल दोस्तों रख सकते हो आप इसके। ये फोटो आपके सामने यहाँ पर दिखाएगी, ठीक है, लिखिए सर ऑप्शन नंबर एक विभव इसका ठीक आंसर है, DRDO और कल्याणी ग्रुप ने डेवलप किया इसको, भारतीय सेना में शामिल हो चुका है। अब लिखिए दोस्तों, मैंने कहा ना आपसे लिखना टर्मिनोलॉजी, लिखिए टर्मिनोलॉजी आपके, कुछ सवाल आपसे सो पूछेगा ये क्या है, लिखिए जल दोस्त क्या है, पूछे आपसे जल दोस्त क्या है, लिखना सो वरुणास्त्र क्या है, वरुणास्त्र क्या है, क्या वरुणास्त्र क्या है, प्रबल क्या है, थर्ड पूछे आपसे प्रबल क्या है, फोर्थ छापना प्रचंड क्या है, क्या तो प्रचंड क्या है पूछे आपसे, फिफ्थ लिखिए निराक्षी क्या है, क्या तो निराक्षी क्या है, सिक्स लेना आपके लीसा क्या है, क्या लीसा क्या है। देखो सवाल आपके सामने, आप खूब पढ़ना करंट अफेयर्स का, पर इससे अच्छा रिवीजन नहीं हो पाएगा आपके सामने, है ना। देखिए मैंने कहा आपसे जल दोस्त, वरुणास्त्र, प्रबल, प्रचंड, निराक्षी, लीसा, ये छह आपके सामने, देखिएगा पहला से पहला पॉइंट है ना, पहला पॉइंट जल दोस्त है ना, पहला पॉइंट जल दोस्त पूछू आपसे, जल दोस्त ना आपके, सो ये एयर बोट है, क्या है ये एयर बोट है, अभी दोस्तों हाल ही में लॉन्च हुआ, सो कहाँ लॉन्च हुआ, सो बंगलुरु में लॉन्च हुआ है। पूछू आपसे क्यों लॉन्च हुआ, सो जो खरपतवार है, खरपतवार को नष्ट करने के लिए लॉन्च किया गया, ये भी आपको छापना, ठीक है, तो बंगलुरु में लॉन्च हुआ, एयर बोट है आपके, खरपतवार जो उसको नष्ट करने के लिए लॉन्च किया गया, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले आपसे वरुणास्त्र, तो पूछू आपसे वरुणास्त्र, ये आपके अरे हैवी वेट टॉर्पीडो, हैवी वेट पानी की मिसाइल टॉर्पीडो, ठीक है, हैवी वेट टॉर्पीडो कौन से वरुणास्त्र है, हमने खुद विकसित किए, ये भी आपको छापना, ठीक है। पूछे आपसे प्रबल दोस्तों, पूछो आपसे सर लॉन्ग, सर लॉन्ग रेंज पूछो आपसे, सर लॉन्ग रेंज आपके, सो लॉन्ग रेंज आपके बंदूक कौन सी है, वो कौन से आपके प्रबल है, ये भी आपको छापना है, 50 मीटर इसकी रेंज है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है, तो आपके लंबी दूरी की बंदूक है प्रबल, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। पूछूँ आपसे प्रश्न दोस्तों, पूछा आपसे अरे लाइट कॉम्बैट, सो लाइट कॉम्बैट छापना, लाइट कॉम्बैट आपके हेलीकॉप्टर कौन सा आपके, वो है प्रचंड। पूछूं आपसे सो बनाने वाला देख लो, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर कौन सा है, प्रचंड आपके, इसको बनाने वाला HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, ये भी आपको छापना है। पूछे तो साहब से निराक्षी, अरे पानी की आँख जो पानी में आपके, सो पानी में जो आपके बारूदी सुरंग होगी उनका पता लगाने के लिए छापना, उनका पता लगाने के लिए आपके निराक्षी लॉन्च हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। पूछूं आपसे हाँ प्रबल, सो प्रबल कहाँ बना, सो प्रबल आपके कानपुर में बनी है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है, प्रबल जो है इसको कानपुर बनाया गया, लॉन्ग रेंज आपके बंदूक है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। लिखा तो पूछूं आपसे लिखना, लिशा ओडिशा की, लिखना ओडिशा की AI आधारित आपके
पहली क्षेत्रीय न्यूज एंकर जो है वो ओडिशा के लिसा है, ये भी आपको ध्यान आए। गंगा दोस्तों पूछवा दे, गंगा आप जानते हो कौन सा गंगा आपके, देखो ऑप्शन देखना, ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन थे, एक तो था विभव आपके बता दिए मैंने आपको, प्रबल क्या है, वरुणास क्या है, ओरोन दोस्तों पूछो आपसे, अरे अभी दोस्तों हाल ही में आपके, अरे अभी दोस्तों हाल ही में ओरोन आपके ड्रोन किसने लॉन्च किया आपके बताओ, ओरोन जो ड्रोन है अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है, किस देश ने लॉन्च किया, ये आपको छापना है, ओरोन ड्रोन किस देश ने लॉन्च किया है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखना, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास के लिए स्किल ऑन व्हील्स पहल किसकी सहायता से शुरुआत की है। अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको इसका नाम बोला था कि एक बैंक है भाई साहब, अंडसंड बैंक दोस्तों, देखिए संयोग देखिए आपके वो बैंक आ गई आपके सामने, लिखना अभी दोस्तों हाल ही में इजराइल, लिख लो इजराइल है ना, पूछे आपसे ओरोन ड्रोन लॉन्च करने वाला कौन था, इजराइल था, ये भी आपको छापना है, ठीक है। आगे बढ़िए सो, अभी दोस्तों हाल ही में क्या हुआ है, अभी दोस्तों हाल ही में आपके स्किल ऑन व्हील्स कौन सी आपके स्किल ऑन व्हील्स उस आपके स्किल ऑन व्हील्स छापना, ये जो पहल है जो इनिशिएटिव है वो शुरुआत हुई है स्किल ऑन व्हील्स इसका नाम है। आप पूछोगे सर इसकी शुरुआत जो करने वाला, पूछो आपसे शुरुआत करने वाला कौन आपके, धर्मेंद्र प्रधान जी जो है छापना, धर्मेंद्र प्रधान जो है शुरुआत करने वाले आपके, क्योंकि दोस्तों यही भारत के शिक्षा मंत्री हैं और यही दोस्तों भारत के आपके कौशल विकास मंत्री, ये भी आपको छापना, ठीक है। तो आपके एजुकेशन मिनिस्टर और कौशल विकास मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, इन्होंने दोस्तों अभी हाल ही में स्किल ऑन व्हील्स जो इनिशिएटिव है जो पहल है इसकी शुरुआत की, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप पूछोगे सर स्किल ऑन व्हील्स जो है जो पहल है वो क्यों शुरू हुई छापना सो, ग्रामीण युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए छापना सो, ये जो पहल है वो किसके लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए शुरुआत हुई है, कहाँ दोस्तों आपके जो रूरल जो एरिया है जो ग्रामीण युवा हैं इनके कौशल विकास के लिए पहल स्टार्ट की गई है, ये भी आपको छापना है। आप पूछोगे सर ये जो आपके स्किल ऑन व्हील्स है वो स्टार्ट करने वाला है तो धर्मेंद्र प्रधान जी हो गए, इसमें दोस्तों पूछूं आपसे, इसमें जो पूछे आपसे इसको पहल को शुरुआत करने वाली कौन आपके, एक तो NSDC है दोस्तों आपके, जिसे आप बोलते हो नेशनल स्किल, इसे आप बोलते हो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बोलते हो उसको, इसे हिंदी में क्या कहते हो, हिंदी में कहते हो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम जो है वो आपके, और साथ में इंडसइंड जो बैंक है आपके, इंडसइंड जो बैंक है ये दोनों साथ में छापना, ठीक है। तो NSDC हो गया, NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो गया है, और दोस्तों साथ में आपके इंडसइंड बैंक जो है वो हो चुका है, दोनों ने मिलकर के स्किल ऑन व्हील्स पहल जो है बनाई है, और सो धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च की है और स्किल डेवलपमेंट संबंधित है। पूछे आपसे ऐसा लिखना टारगेट क्या, सो टारगेट क्या इसका, टारगेट इसका है 5 साल में, सर ना 5 साल के अंदर पूछे टारगेट क्या है, 5 साल में 60,000 से युवा जो हैं सो इनके अंदर स्किल डेवलपमेंट करना जो है वो उद्देश्य, ये भी आपको ध्यान रखना, लिखिएगा आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया है इंडसइंड बैंक जो है वो आंसर है इसका, ये आपको छापना, ठीक है। अब दोस्तों आपके सामने पूछे आपसे, अरे याद करो दोस्तों बैंक लिखो, ये दोस्तों एक तरीका है ना कि करंट अफेयर के साथ में सभी को लपेट लो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, सबको लपेट लो करंट अफेयर्स के साथ में, 1-1.5 घंटा आपका ऐसा हो जिसमें आपका माइंड दोस्तों एकदम से फ्रेश हो जाए ना, हिस्ट्री भी आया, ज्योग्राफी भी आया, पॉलिटी भी आया, सब कुछ आपके सामने आ गया, ठीक है। अब सुनिएगा बैंक दोस्तों आपके सामने बैंक है, पूछे आपसे पहला पॉइंट पूछो आपसे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापना सो, पहला पॉइंट इसकी स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर होती है आपके, इसकी स्थापना तो किस अधिनियम से होती है, इसकी स्थापना कब होती है, इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो कब होता है, ये 4 सवाल आपके सामने मैं लिख दिए, आयोग एक्ट स्थापना कब और राष्ट्रीयकरण कब होता है वो आपके सामने, ठीक है। पूछो आपसे इस अभी तो पूछा आपसे नेशन फर्स्ट ट्रांजिस्ट कार्ड है उसको लॉन्च करने वाली बैंक कौन सी वो आपको छापना सो। पूछो आपसे इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाली भारत की
पहली बैंक कौन सी है, या आपको छाप रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाली भारत की पहली बैंक कौन सी है। अभी दोस्तों हाल ही में रजनीश कुमार जो है वो कहां से, वहां को वो कहां के हेड बने हैं, ये आपको छापना है, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में आईबी साथी जो है वो किसने लॉन्च किए, ये भी आपको छापना है, ठीक है। सवाल दोस्तों आपके सामने ये है कि अभी दोस्तों हाल ही में पूछे आपसे आरबीआई, पूछूं आपसे आयोग कौन सा हो गया, यंग हिल्टन आयोग कौन सा है, यंग हिल्टन दोस्तों आयोग हो गया, पूछूं आपसे एक्ट हो गया है 34th Act हो गया है, पूछूं आपसे स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1935 में स्थापना होती है इसकी, पूछूं राष्ट्रीयकरण आपके 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। पूछे आपसे कब होता है, 1 जनवरी 1949 में राष्ट्रीयकरण होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूछे आपसे नेशन फर्स्ट ट्रांजिस्ट पूछो कार्ड छापना सो, ये लॉन्च करने वाला कौन आपके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लॉन्च करने वाला हो गया है, मतलब सो परिवहन के लिए कॉमन कार्ड होगा, ये परिवहन के लिए से कॉमन कार्ड होने वाला है, जिसका नाम क्या है, इसका नाम नेशनल फर्स्ट ट्रांजिस्ट कार्ड है, SBI ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। पूछूं आपसे इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी आपके जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा है, HDFC बैंक है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। पूछूं आपसे सो अभी दोस्तों हाल में रजनीश कुमार जो है किसके हेड सो, मास्टर कार्ड जो छापना, मास्टर कार्ड के नए हेड कौन बने, रजनीश कुमार बने, जो कि पहले ICICI बैंक के हेड थे, ये भी आपको छापना है, ठीक है। पूछूं आपसे आईबी साथी आपके सो इंडियन बैंक किसने, सो इंडियन बैंक ने आपके सो लॉन्च किया है हाल ही में, आईबी साथी छापना, इंडियन बैंक ने लॉन्च किया, ये पांचों सवाल आपके सामने है, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, हाल ही में 11 सूत्री विकास कार्यक्रम पूछे आपसे कहां दोस्तों लॉन्च हुआ है। अभी दोस्तों हाल ही में आपके पूछे 11 सूत्री विकास का क्या, तारीख लिखिए तो तारीख लिखना 17 सितंबर, यहां दोस्तों ऐसे लिखिए, आप लिखिए 17 सितंबर 2023, क्योंकि दोस्तों इस दिन जो है वो किसका दोस्तों, हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनका दोस्तों हैप्पी बर्थडे था, आप जानते हो 17 सितंबर 2023 को मोदी जी का हैप्पी बर्थडे। सो इसमें तीन चीज़ें आपको छापनी, एक तो पीएम विश्वकर्मा योजना स्टार्ट होती है आपके, लिखिए पीएम विश्वकर्मा स्टार्ट हुई आपके। सेकंड दोस्तों छापना सो, सेकंड सो नमो 11 सूत्री कार्यक्रम जो है ये लॉन्च हुआ आपके, थर्ड सेकंड छापना नमो 11 सूत्री कार्यक्रम लॉन्च हुआ इसके अंदर, और थर्ड दोस्तों छापना, थर्ड आपके, थर्ड दोस्तों लाडली बहना आवास योजना जो है ये भी स्टार्ट हुई छापना, लाडली बहना आवास योजना स्टार्ट होती है। सवाल दोस्तों ये है कि पूछूं आपसे पीएम विश्वकर्मा योजना जो है, पूछे आपसे इटली से बधाई आई थी, बिल्कुल यार तुम तो यार बहुत खतरनाक आदमी हो यार, इटली से बधाई आई थी वही वाला है ना, जॉर्जियो मेलोनी नाम, मतलब दोस्तों तुमको चाहे तुमको नहीं पता कि जो फिनलैंड उसकी कौन आपके उसका हेड है, आपको नहीं पता, पर जॉर्जियो मेलोनी के बारे में आपको सब कुछ पता है, इतने खतरनाक आदमी हो आप। लिखिए पीएम विश्वकर्मा, पूछूं आपसे पहली बात तो लिखना आपसे किसके लिए, पारंपरिक जो शिल्पकार है जो बुनकर है उनके लिए स्टार्ट हुआ है, लॉन्च कब हुआ सो आपके स्टार्ट होता है आपके इस तारीख को स्टार्ट हुआ, लेकिन आपके इसमें सो ₹3 लाख उनको 2 चरण में मिलने वाले हैं, 5% जो है ब्याज दर मिलेगी, ये भी आपको छापना है, 5% ब्याज दर पर ₹3 लाख जो है मिलने वाले हैं, और सो 13,000 करोड़ की स्कीम है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। पैसा ही पैसा है भाई साहब, पैसा ही पैसा, आप दोस्तों समोसे के लिए लड़ रहे हो, ये देखो इसमें कितने जीरो है ना, वो जीरो नहीं लगा पाओगे तुम, फिर भी देखो आपके सामने, ठीक है। नमो 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 ही शंकराय भोलेनाथ शंकराय, लिखिए नमो ने फॉर नरेंद्र मोदी, मो फॉर मोदी नरेंद्र मोदी, नमो 11 सूत्री कार्यक्रम कहाँ सो, महाराष्ट्र, कहाँ लॉन्च हुआ ये तो महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ है, लॉन्च करने वाले कौन आपके, एकनाथ शिंदे जी जो है इन्होंने लॉन्च किया, ये भी आपको छापना, ठीक है। तो महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ है और एकनाथ शिंदे जी ने लॉन्च किया है। एक्चुअली दोस्तों इसके अंदर आपके सो इसमें राज्य के अंदर 11 योजना स्टार्ट की, ये भी आपको छापना है। आप पूछोगे सर ये 11 योजनाएं जो है वो कौन कौन से आपके सो, ये देखो नमो, हर किसी में नमो है, नमो महिला
सशक्तिकरण मिशन 73 लाख महिलाओं को सरकारी योजनाओं में लाभ देने के लिए, नमो निर्माण श्रमिक कल्याण मिशन आपके 73,000 श्रमिकों को स्वच्छता टिकट प्रदान करने के लिए, नमो फार्म ताला मिशन सब कुछ 73 में, भाई साहब पता नहीं दोस्तों सब कुछ 73 में, देखिएगा 73 लाख महिला, 73,000 श्रमिक आपके, 73,000 खेत तालाब बनाना आपके, नमो फार्म तालाब मिशन हो गया है, और नमो आत्मनिर्भर और सौर ऊर्जा आपके 73 काम, आप दोस्तों लिख लो, पूछे आपसे कुछ भी 73 का आंकड़ा आपको छांट लेना है ना, देखो 73 ग्राम दोस्तों यहाँ पर आपके, 73 ग्राम पंचायत, 73 विज्ञान केंद्र आपके स्थापित करना, 73 शहरों का सुंदरीकरण करना आपके, 73 तीर्थ यात्रा, ये ऐसे मुख्यमंत्री दो चार और हो ना, सच बता रहा हूँ आपको, करंट अफेयर्स पढ़नी ना पड़े, कितना दोस्तों आसान है, जिसके आगे नमो लिख रहा है वो महाराष्ट्र का है, देखो कितना आसान है, जिसके आगे नमो लिख रहा है वो महाराष्ट्र का है, और इसमें 73 से कुछ होने वाला है आपके, 73 महिलाएं, 73 आपके श्रमिक, 73 आपके विज्ञान केंद्र, 73 आपके शहर, 73 पंचायत, सब कुछ कितना आसान खेल है, महाराष्ट्र नमो और 73 बस हो गए 11 योजनाएं आपके सामने, ऐसे अगर एक आध दो मुख्यमंत्री हो तो भाई साहब काम नहीं हो जाए हमारा। अरे ये एकनाथ शिंदे ने लॉन्च की है राज्य में 11 योजनाएं, नमो और 73 लिख लो आप तो, नमो और 73 इससे आपको याद रहेगा, 11 योजनाएं स्टार्ट हुई है, नमो 1100 कार्यक्रम लॉन्च हो गया महाराष्ट्र के अंदर, ये भी आपको छापना है ठीक है। आगे देखिए पूछूं आपसे, हाँ 73 क्यों आया, क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र या सो याद करो 73 क्यों आया, हाँ वेरी गुड, ये सवाल पूछा आपने काम का कि सर 73 ही क्यों, 74 क्यों नहीं, 75 क्यों नहीं दोस्तों, 72 सिंह 73 सिंह याद है आपको दोस्तों, हाँ लिखने के बाद मिटाते नहीं है ना, 73 ही क्यों बताओ, क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा, याद कीजिए 1953 आपके आंध्र प्रदेश नया राज्य बनता है, याद कीजिए आपको, इसके बाद में 1956 आपके 14 स्टेट 6 यूटी बनते हैं आपके, उसके बाद दोस्तों याद करो आपके, उसके बाद अरे 1960 छापना, 1960 पूछूं आपसे, महाराष्ट्र बन गया, सो महाराष्ट्र बन गया, और गुजरात बन गया छापना 1960 के अंदर, सो बम्बई, सो बम्बई से आपके महाराष्ट्र बना मराठा वाला, और सो गुजराती वाला गुजरात बन गया 60 में बना, और उसको अब जो है वो 73 साल हो रहे हैं, इस साल जो है वो जोड़ दिया ठीक है, नमो ले लिया नमो मोदी जी से, 73 ले लिया महाराष्ट्र से, इससे बन गया आपके नमो 73 वाला संयोग ठीक है। एक दोस्तों आपके लाडली बहना पूछूं आपसे, आवास योजना छापना, ये मध्य प्रदेश स्टार्ट होती है आपके, लाडली बहना आवास योजना मध्य प्रदेश आपको छापना ठीक है। लिखिए आंसर, जो सवाल पूछा है आपसे, सवाल आपके सामने कि सवाल आपके सामने हाल ही में 11 सूत्री विकास कार्यक्रम कहाँ लॉन्च हुआ है, महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर सी लॉन्च हुआ है, ये भी आपको ध्यान है ठीक है, महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ है, नोट कर लीजिए महाराष्ट्र इसका ठीक आंसर हो गया ठीक है। हाँ 1960, अरे लिख लो ना, कौन सा फर्क पड़ रहा है, लिख लो दो मिनट लिख लो, लिखो राज्य की स्थापना लिख दो, कौन सा फर्क पड़ेगा, लिखिए राज्य की स्थापना लिखो, आंध्र प्रदेश की कब होती है बताओ आपके, आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात बताओ कब होती है, लिखो नागालैंड, नागालैंड की स्थापना कब होती है आपके, थर्ड लिखना आगे सुन लेना, नागालैंड हो गया, इसके आगे लिखिए आपके महाराष्ट्र गुजरात नागालैंड आंध्र प्रदेश दोस्तों, इसके अलावा छापना पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, इसके अलावा दोस्तों आपके इसके अलावा पूछूं आपसे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आगे लिखिए सो, हिमाचल प्रदेश लिखना त्रिपुरा, त्रिपुरा मणिपुर, त्रिपुरा मणिपुर मेघालय, त्रिपुरा मणिपुर मेघालय, इसके बाद लिखना, इसके बाद लिखना आपके सिक्किम, लिखिए सिक्किम आपके, फिर लिखिए गोवा, गोवा लिखिए आपके, फिर दोस्तों लिखना अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, लिखिए मिजोरम आपके, उसके बाद लिखिए आपके छत्तीसगढ़, लिखना छत्तीसगढ़ झारखंड आपके, छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड और फिर ना तेलंगाना, ये सारे राज्य आपके सामने, फिर देख लीजिए आपके पूछे इनका स्थापना जो है कब हुई आपके, ये क्रम से ही लिखा है मैंने, ये क्रम से आपके सामने ठीक है। देखो आंध्र प्रदेश 1953, महाराष्ट्र गुजरात छापना, महाराष्ट्र गुजरात आपके 1960, नागालैंड 1963,
पंजाब हरियाणा छापना 1966 आपके, हिमाचल प्रदेश 1971 छापना, त्रिपुरा मणिपुर मेघालय 1972 छापिए, सिक्किम आपके 1975 हो गया है, गोवा आपके 1987 हो गया है, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम छापना 1987 हो गया है, छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड आपके जिसमें आपके ये कौन सा आपके 2000 हो गया है, और तेलंगाना छापना 14 हो गया है। ये सारे आपके सामने, बताओ अरे कोई बढ़िया खेल है क्या? सारे आपके सामने, 2 मिनट लगती है कोई काम करने में, बस करने वाले की इच्छा होनी चाहिए, है ना, बाकी तो काम हो ही जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल आपके सामने, देखना आपके अगला सवाल देखिए, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हाल ही में कृषि महोत्सव पूछे आपसे, हाल ही में कृषि महोत्सव नुआखाई दोस्तों, हाँ अरे यार ये ध्यान रखना दोस्तों आपके, ये ध्यान रखना है, ये 63 वर्ष ही हो रहे हैं ना, ये वाला नहीं है ना, ये 63 वर्ष हो रहे हैं, मोदी जी 73 साल के हो गए ना, जो मोदी जी हैं वो 73 साल के हो गए हैं, ये तो 63 वर्ष ही हो रहे हैं ना, हाँ ठीक कर लेना इसको ना, ये तो 63 वर्ष ही हो रहे हैं, मोदी जी 73 साल के हो गए। ठीक है, आगे बढ़िएगा। हाल ही में कृषि त्योहार नुआखाई का आयोजन पूछे आपसे, कहाँ दोस्तों हुआ आपके, अरे नुआखाई लिखना, हाँ 63 कर लो आपके, स्थापना 63 वर्ष पहले हुई है, मोदी जी का 73वां बर्थडे। ठीक है, लिखिए नुआखाई से पूछो आपसे, मोदी जी भाई साहब 73 साल के हो गए दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले की बात थी जब हमारे साथ खेलते थे मोदी जी, आज 73 साल के हो गए, पता ही नहीं लगा। देखो नुआखाई लिखिएगा, अरे नुआखाई फेस्टिवल, आपका दिल खुश करने वाला काम करने जा रहा हूँ मैं आपके सामने ना, बस आप तैयार रहना दिल भेजने के लिए मुझे। ठीक है, लिखिए नुआखाई फेस्टिवल, पूछा दोस्तों आपसे पहली बात तो इस वर्ड का मतलब, तो पहली बात तो ये फेस्टिवल कहाँ का, ये फेस्टिवल ओडिशा कहाँ का, ये फेस्टिवल जो है वो ओडिशा का है छापना, यह फेस्टिवल किसका, ओडिशा का हो गया, नुआखाई छापना तो नुआखाई फेस्टिवल ओडिशा का हो गया। सब चलो अमेठी, क्या करोगे अमेठी में बताओ रे, पढ़ ले रहे चुपचाप, अमेठी चलो, नुआखाई फेस्टिवल ओडिशा हो गया पहला पॉइंट, तो यहाँ दोस्तों आपके ये स्टार्ट हुआ है। पूछूं आपसे इस वर्ड का मतलब, इस वर्ड का मतलब नुआ का मतलब नया हो गया, नया आपके, खाई का मतलब खाना हो गया, लिखना आपके मतलब दोस्तों आपके नई फसल, लिखना नई फसल जो है चावल की जो नई फसल होती है, तो चावल की जो नई फसल होती है इस दिन मनाते हैं, कौन सा फेस्टिवल आपके नुआखाई फेस्टिवल मनाते हैं, ओडिशा के अंदर होता है, ये आपको छापना है, तो नुआखाई फेस्टिवल ओडिशा के अंदर है, और चावल की दोस्तों चावल की नई फसल है, ये आपको छापना है। पूछूं आपसे कि जो फसल जो होती है इसको किसको दोस्तों आपके, किसे समर्पित करते हैं छापना, इसे हम जो है इसे हम जो संबलपुर एक स्थान है आपके, ओडिशा में एक स्थान संबलपुर है, यहाँ दोस्तों एक देवी है आपके, उनका नाम लिखिए दोस्तों, एक देवी है लिखिए, देवी देवी समलेश्वरी, कौन आपके, देवी समलेश्वरी जो है सो इनको अर्पित करते हैं, और फिर ये फेस्टिवल जो है स्टार्ट होता है आपके, चावल की नई फसल आती है आपके, नुआखाई फेस्टिवल है, सो ओडिशा के अंदर होता है, ये आपको छापना। सो इस अगर पूछे ना आपसे कि चावल की जो नई फसल होती है इसे क्या बोलते हैं, ठीक है, पूछे आपसे तो चावल की जो नई फसल होती है इसको किस नाम से जानते हैं, इसको इसे बोलते हैं नवन्ना, लिख लो, कभी कभी पूछे थे आपसे नवन्ना क्या है, सो नवन्ना चावल की जो नई किस्म आती है, फसल आती है, उसे नवन्ना बोलते हैं, और फेस्टिवल कौन सा होता है, नुआखाई फेस्टिवल होता है, नव अन्न नया जो अन्न होता है वो होता है आपके सामने, लिखिए आंसर, ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर हो गया है, ओडिशा आपका ठीक आंसर। ठीक है, अगर आपसे पूछे दोस्तों ओडिशा ठीक आंसर हो गया है, लिखिएगा फेस्टिवल, हेडिंग लगाई सो हेडिंग लगाई आपके, फेस्टिवल आपके सामने आ रहे हैं, 2, 4, 5 फेस्टिवल जो महत्वपूर्ण है वो लिख लीजिए, लिखिए सरहुल, लिखना सरहुल फेस्टिवल पूछे आपसे, सरहुल छापना खारची, लिखिए खारची, ठीक है, सरहुल खारची, लिखिए धानु जात्रा पूछे आपसे कहाँ पर आपके, लिखना आगे लिखिए आपके सरहुल खारची धानु जात्रा, लोसर लोसांग, लोसर लोसांग धानु जात्रा खारची सरहुल, दोस्तों सरहुल हो गया, आगे लिखिए आपके, आगे लिखना सबके, सरहुल आपके, लोसर धानु जात्रा, लोसांग आपके, इसके अलावा पूछूं आपसे इसके अलावा, अरे वो मेघालय वाला चेरी ब्लॉज में, लिखना चेरी ब्लॉज में कौन सा है, चेरी ब्लॉज फेस्टिवल, ये भी आपके सामने बताइए। सरहुल पूछूं आपसे कहाँ दोस्तों आपके, सरहुल कहाँ पर, झारखंड, कहाँ पर, सरहुल झारखंड के अंदर छापना, पूछे आपसे आगे देखना आपके, सरहुल झारखंड हो गया है, खारची दोस्तों पूछो आपसे, खारची छापना, खारची रसगुल्ला आपके कहाँ पर, त्रिपुरा में हो गया है, खारची त्रिपुरा में हो गया है,
धानु यात्रा पूछे आपसे, नुआ खाई धानु यात्रा आपके छापना सो, ये ओडिशा के अंदर हो गया, ओडिशा लिखना ओडिशा हो गया है। आगे देखिए आपके लोसर, आपके लोसर लद्दाख हो गया और लोसांग सिक्किम हो गया, लोसांग सिक्किम हो गया छापना, और चेरी ब्लॉन्ग छापना ये शिलोंग हो गया, शिलोंग है आपके, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सरहुल झारखंड के अंदर है, ये आपको छापना है। हॉर्नबिल लिख लो, हॉर्नबिल पूछूँ आपसे, हॉर्नबिल फेस्टिवल छापना सो, हॉर्नबिल जो है ये नागालैंड के अंदर हो गया है हॉर्नबिल, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, अगला सवाल आपके सामने सो, ये देखिए हैप्पी नुआखाई आपके सामने यहाँ पर दिखाया गया है, नया सो चावल आपके ये है, समलेश्वरी माता का मंदिर आपके सामने संबलपुर के अंदर है सो, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में कुर्मी समुदाय ने रेल रोको आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया? अभी दोस्तों हाल ही में छापना, अभी दोस्तों हाल ही में झारखंड दोस्तों यहाँ पर आप सो, अभी दोस्तों हाल ही में झारखंड सुनना, अभी दोस्तों हाल ही में झारखंड जो स्थान है यहाँ कुर्मी जो समुदाय सो, इस समुदाय ने सो, इस समुदाय ने एक आंदोलन स्टार्ट किया है, वो है रेल रोको, कौन सा रेल रोको आंदोलन जो है वो स्टार्ट किया है। अब आप पूछोगे सर कि ये रेल रोक रहे हैं, कोई इनकी मांग होगी जो मांग नहीं मानी जा रही है तभी रेल रोक रहे हैं आपसे, पूछूं आपसे वो मांग कौन सा आपके, ये बोलते हैं कि इन्हें क्या करो, ये बोलते हैं कि इन्हें एसटी में शामिल करो, क्या बोलते हैं एसटी में शामिल करने की मांग है इनकी, ये बोल रहे हैं कि हमें जो है वो शेड्यूल ट्राइब जो है अनुसूचित तो जनजाति है इसमें शामिल करो तब हम मानेंगे वरना हम रेल रोक देंगे, ऐसा इनका धमकी है दोस्तों। कुर्मी समुदाय झारखंड ऑप्शन नंबर छापना, ऑप्शन नंबर डी हो गया है यहाँ दोस्तों। अभी हाल ही में रेल रोको आंदोलन शुरू हुआ है, क्यों हुआ है वो मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों अगर एसटी आया है तो बहुत सारे सवाल हमें देकर जाएगा, आप पूछोगे सर कौन कौन से सवाल आने वाले, सुनना दोस्तों सवाल आपके सामने। पहला सवाल आपके सामने ये है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट पूछूं आपसे, सेकंड ना नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब पूछूं आपसे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब पूछूं आपसे, इसके अलावा पूछूं आपसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है छापना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो आयोग दोस्तों अभी हाल ही में बना है ये कौन से आर्टिकल में, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने ये सो कौन से आर्टिकल में पूछे आपसे। अगला सुनना नेक्स्ट लिखिए सो, नेक्स्ट लिखिएगा आपके सामने एनसीएससी एनसीएसटी, और सो पूछूं आपसे सो ट्राइबल जो मिनिस्टर छाप दो, भारत के जो ट्राइबल मिनिस्टर है वर्तमान में वो कौन है बताओ, आपके भारत के वर्तमान में ट्राइबल मिनिस्टर जो है वो कौन है आपको छापना है, ठीक है। देखो एनसीएससी पूछे आपसे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आपके, ये आर्टिकल नंबर 338 किसमें, आर्टिकल नंबर 338 में आपके 1+1+3 आपके एक अध्यक्ष है एक उपाध्यक्ष, आपसे पूछूं आपसे जो इसका अध्यक्ष होता है उसको वर्तमान में कौन सो, वर्तमान में इसका जो अध्यक्ष है वो कौन है ये आपको छापना है, ठीक है। वर्तमान में एनसीएससी का अध्यक्ष कौन है, लिखिए एनसीएसटी छापना सो, एक लिखो 104वां संविधान संशोधन ये भी आपको छापना है, ठीक है। लिखिए एनसीएसटी आर्टिकल नंबर 338 ए हो गया है, आर्टिकल नंबर 338 ए हो गया है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब हो गया है। पूछूं आपसे कि भाई प्रहलाद जोशी थोड़ी है, अर्जुन भी, अरे अर्जुन मुंडा तो हमारे ट्राइबल मिनिस्टर है ना, अर्जुन मुंडा जी जो हैं वो हमारे ट्राइबल मिनिस्टर हैं। सवाल आपके सामने ये था कि वर्तमान में जो है मैंने पूछा आपसे वर्तमान में एनसीएससी का हेड कौन है, एक तो बताओ रसगुल्ला कोई तो लिख दो यार, विजय, हाँ बिल्कुल सो विजय लिखना सो विजय आपके, विजय सापला छापना, वर्तमान में इसका हेड है ये आपको छापना है, ठीक है। पूछो आपसे आर्टिकल नंबर 338 आपके सो हर्ष चौहान छापेगा, हर्ष चौहान इसके हेड थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आपके 102वां संविधान संशोधन होता है आपके, आर्टिकल नंबर 338 शामिल होता है छापना, नोट कीजिए 102वां संविधान संशोधन 338 ये आर्टिकल आपको ध्यान रखना, ठीक है। ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी आपके, 104वां पूछूं आपसे अमेंडमेंट छापना, 104 अमेंडमेंट आपके एंग्लो इंडियन की सीट कंजेशन एंड हो गया आपके, और एससी एसटी जो है इनके लिए आपके छापना 10 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है, ये आपके सामने खबर है। कंटेंट कैसा लगा आपको बताना मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। एक आपकी सूचना यह है कि आप बार बार बोल रहे हो कि सर हमारा ये वाला एग्जाम है, हमारा वो वाला एग्जाम है, तो एक अंतिम प्रयास मैं कर रहा हूँ आपके लिए, जनवरी से अगस्त तक का जो करंट अफेयर्स है उसकी जो महत्वपूर्ण क्लास है आपके सामने, जनवरी से अगस्त तक के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उन सभी को लेकर मैं आपके आने वाला हूँ सामने। ध्यान रखना जिनका भी एग्जाम है
ये आपके लिए अगर मजा आए तो दिल भेज देना मुझे कमेंट में। अगर आप भी इंतजार कर रहे थे इस चीज का तो दिल भेजना। आपका एग्जाम है बिहार पुलिस है या फिर दोस्तों आपके अभी आपके भर्ती आई वो वाला एग्जाम हो या फिर आपके यूपी का पैट का एग्जाम हो, राजस्थान में आरपीएससी आरएस का एग्जाम है और बीपीएससी तो आपके प्री का एग्जाम आपके सामने, बहुत सारे एग्जाम है आपके, आप बार बार दिल्ली पुलिस का एग्जाम है आपके सामने, तो जनवरी से अगस्त तक का नोट कर लेना। अभी मैं एक लिंक लगवा रहा हूँ ऊपर आपके सामने ना, जनवरी से अगस्त 2023 करंट अफेयर्स का ब्रह्मास्त्र 24 सितंबर को सुबह 6 बजे आएगा, ठीक है। 24 सितंबर को सुबह 6 बजे जो है वो आने वाला, सो जनवरी से अगस्त तक की सारी जो घटनाएं सो वो आपके सामने होंगी, चंद्रयान तक की जो घटनाएं आपके वो सामने आने वाली, आपके G20 चंद्रयान जो कुछ भी है, नया पार्लियामेंट हाउस, जो भी महत्वपूर्ण सवाल है इस क्लास से आपको 80-90% सवाल मिल जाएंगे आपके एग्जाम के अंदर करंट अफेयर्स वाले। 6 जो आपके 8 महीने हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये 8ों के 8ों महीने जो हैं वो आपके सामने आएंगे। 24 तारीख को आएगा सो क्लास लंबी चलने वाली है, क्लास लंबी चलेगी, संडे का दिन इसलिए रखा है मैंने, क्लास लंबी चलने वाली, तैयार रहना। 24 सितंबर को सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स का ब्रह्मास्त्र आएगा, जनवरी से अगस्त तक का पूरा करंट अफेयर्स होने वाला है। आपका जो भी एग्जाम हो आप देख लेना इस क्लास को, इतने की गारंटी मेरी है आपके सामने, जो भी एग्जाम हो ना, एक क्लास ले रहा हूँ आपके लिए, जनवरी से अगस्त का पूरा करंट अफेयर्स होने वाला है। लिंक ऊपर लगवा दिया मैंने आपके सामने, अभी इसको लाइक कर देना लिंक को, अगर आप भी इसका इंतजार कर रहे हो तो लाइक कर देना इस लिंक को। बड़ी मेहनत लगने वाली है, मैं मानता हूँ इस बात को, पर मैं करने को तैयार हूँ ना, मजा ही क्या अगर नहीं की मैंने तैयारी, है ना, तो तैयार है ना। जनवरी से अगस्त तक का करंट अफेयर्स आपके सामने, वन स्टॉप सॉल्यूशन, एक क्लास में पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा, रिवीजन अच्छा होगा ये गारंटी मेरी आपसे, 4-5 घंटे लगने वाले ये भी गारंटी है। 6 बजे तैयार रहना 24 तारीख को, आपके संडे वाले दिन जो है ये क्लास आपकी आने वाली, ठीक है। तो ऊपर लिंक मिल गया आपको, लाइक कर देना लिंक को और तैयार रहना 24 तारीख को, ठीक है। ICC पुरुष वनडे बॉलिंग रैंकिंग में मोहम्मद सिराज बने नंबर 1 पर है। एक बच्चे ने लिखा, सर आप जो है ना हमारे सुनते नहीं हो, कब से कह रहे रिवीजन करवा दो, हमारा बिहार का एग्जाम है, हमारा यूपी का एग्जाम है, राजस्थान में एग्जाम है, तो ये लो भाई दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, तैयार हो जाओ। अभी करंट अफेयर्स वाली तो आ रही है आपके बीच में, इसके बाद में एक स्टैटिक जीके का जो है वो भी आने वाला है, ठीक है, जीके वाला भी लाऊंगा इसके बाद में, जो जिनका भी एग्जाम होता है ना, दिल्ली पुलिस या फिर SSC वाला एग्जाम है, यूपी पैट है, या फिर आपके अभी एक एग्जाम आया है बिहार के अंदर जो है, उसमें भाई साहब 200 नंबर का जीके आएगा, करंट अफेयर्स अलग से आएगा, बड़ा मजा आएगा उसके अंदर ना, ऐसे घुमा घुमा के मारेंगे जीके को, ठीक है, तैयार रहना इसके लिए आप, है ना। ICC पुरुष वनडे बॉलिंग रैंकिंग में मोहम्मद सिराज नंबर 1 पर आ चुके हैं। एक मैच में श्रीलंका को सुपड़ा साफ कर दिया इन्होंने, आपके 50 रन पे आउट कर दिया श्रीलंका को, मोहम्मद सिराज नंबर 1 पर आ चुके हैं, ठीक है। BPSC का मॉक इंटरव्यू होने वाला है, 25 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, और जो भी अगर आपके आसपास कोई तैयारी करने वाला स्टूडेंट है, अगर वो तैयारी CUET के कर रहा है, अगर उसका सपना जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी सपना है अगर उसका, तो सभी ऑनलाइन कोर्स के ऊपर जो है CUET कोर्स जो है उत्कर्ष ऐप के अंदर उनके ऊपर 90% तक का ऑफ है, 20 से 25 तारीख तक आपके ऑफ चल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स की मैगजीन आपके सामने है, देखिए 20 सितंबर 2023 पूछूं आपसे, रिवीजन कर देते हैं आपके सामने, देखिएगा, भारत ने राजनयिक हटा दिया, कनाडा ऑप्शन नंबर 1 हो गया है, और नया पार्लियामेंट हाउस आपके महिला रिजर्वेशन बिल ऑप्शन नंबर भी हो गया है, यूनेस्को 42वां कौन आपके सो होयसल मंदिर हो गया 42वां ऑप्शन नंबर सी, G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समिति पूछूं आपसे ये कहां दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ रायपुर में ऑप्शन नंबर भी हो गया है, और इंडियन कोस्ट गार्ड पूछे सजग आपके ऑप्शन नंबर भी हो गया है, और अत्रयापुरम फुथार के लू मिठाई दोस्तों मुंह में रखते ही पानी पानी हो गई ऑप्शन नंबर भी, आंध्र प्रदेश रेड पांडा दोस्तों आपके कब बनाते हैं 16 तारीख को बनाते हैं ऑप्शन नंबर सी 16 तारीख, लाडली बहन आवास मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर 1 हो गया है, आगे देखिए आपके पैरा कमांडो बनने वाली महिला सेना अधिकारी कौन आपके पायल छाबड़ा ऑप्शन नंबर डी हो गया है, आगे देखना आपके नेक्स्ट आपके मोदी जो वाला नया न्यू आपके जो पुराना पार्लियामेंट हाउस है उसको संविधान सदन कहा गया है, प्रिजर अवार्ड पूछे आपसे डेविड चिपरफील्ड को मिला ऑप्शन नंबर 1 हो गया है, ये सवाल आपके लिए क्वेश्चन आपके लिए करंट अफेयर्स की मैगजीन आपके लिए, ऊपर लिंक लगा हुआ है। क्लास का कंटेंट कैसा लगा आपको, मतलब इतना सारा कंटेंट मैंने अपने हाथ से लिखा है ना, यहाँ पर कोई टॉपिक आता है
ये कैसा लगता है आपको? मैंने कोई टॉपिक आया उसके आसपास जो सवाल बन सकते हैं वो सारे सवाल वहीं क्लियर कर दिए आपके सामने। 5-6 घंटे लग जाएंगे ना, 4-5 घंटे तो लगेंगे कम से कम क्लास, ठीक है। 24 तारीख को आएगी एक क्लास आने वाली है, फिर कह रहा हूँ करंट अफेयर्स के लिए दूसरी क्लास नहीं आएगी मेरी तरफ से, एक क्लास आएगी मैं अपना उसमें बेच दूंगा ना। अरे आप क्लास लेना उसके बाद में बात करना ना। माना कि आप समझदार हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप बहुत खतरनाक हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन हम भी आपके गुरु हैं, ठीक है। शाम को क्लास होगी, कल नहीं हो पाई थी मुझे पता है, वो कल नहीं चल पाया ऐप आपका, तो कल क्लास आपकी नहीं हो पाई थी ऐप के अंदर, आज क्लास होगी आपके, है ना। आज जो हम रीजनल्स पावर जो है हमारी, जैसे अवध है या फिर हमारा मैसूर है या फिर इसके अलावा हैदराबाद है, कॉर्नेटिक है, ये सारे हम आज पढ़ लेंगे, है ना। चिंता मत करो, वो तो मैं देख लूँगा ना। कल ब्रह्मास बैच में क्लास नहीं हुई थी, अलग से रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वेरी गुड, यही तो खास बात है। अगर कंटेंट अच्छा लगाओ, हाथ में भी दर्द हो जाता है यार, मतलब लिखना पड़ता है ना। पहले तो क्या था, पहले तो क्वेश्चन लिखा था लल्लन टॉप में और वही मैं आपको आंसर लिख रहा था, अब क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ आंसर भी लिख रहा हूँ तो हाथ दर्द करता है ना। कोई बात नहीं, सब मंजूर है। यूपी पैट में आपकी क्लास में 10 में से 9 सवाल फंस गए थे, कोई बात नहीं। ना थके हैं पैर अरी, ना थके हैं पैर अभी, ना हिम्मत हारी है, जज्बा है जीतने का, इसीलिए सफर जारी है। ऑल द बेस्ट, खुश रहना, कंटेंट के मामले में कोई कमी नहीं होगी आपके सामने। यूट्यूब पर हजारों क्लासेस करंट अफेयर्स की मिल जाएंगी आपको, पर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण कंटेंट देना अपने आप में चैलेंज होता है ना, और डेली देना चैलेंज होता है। न्यूज और कंटेंट में बड़ा अंतर होता है, यहाँ मैं आपको कंटेंट देता हूँ। मेरा उद्देश्य होता है कि भाई ये सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो ही लूँगा, वरना लूँगा ही नहीं मैं सवाल को, स्किप कर दूंगा। चलो ऑल द बेस्ट, खुश रहना, ध्यान रखना अपना। ऊपर लिंक मिला है आपको करंट अफेयर्स का, ब्रह्मास्त्र जो आने वाला है उसका लिंक आपको मिल गया है, उसको लिंक को क्लिक करना, लाइक कर लेना उसको, फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह 6 बजे इसी मंच पर होने वाली मुलाकात। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।